जो भी नए बैचेस आ रहे हैं, अभी तो मेरा एक ग्रामर का बैच चल रहा है जहां मैंने कल से इसमें वॉइस स्टार्ट किया है, ठीक है। ये 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 3:30 से 5 का बैच है, ये एक बैच हो गया है, ग्रामर का बैच है, मंडे से फ्राइडे चलता है, वीक में पूरे 5 डेज चलता है। फिर दूसरा बैच है वोकैबलरी का, वोकैबलरी का बैच 8 से 9:30 बजे चलता है मंडे से फ्राइडे, लेकिन इस बैच को मेंस के बाद, मेंस 29 को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इस बैच को 5 डेज कर दूंगी। और भाई इस बैच में और क्या जुड़ेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो इसमें आप सिनोनिम्स पढ़ते हो, थर्सडे और ट्यूसडे को इसमें एक नया बैच बना दूंगी, उसमें हम पढ़ेंगे इडियम्स और वन वर्ड। हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है कि मैम कितना इडियम्स पढ़े, कितना वन वर्ड पढ़े, नया आ जा रहा है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि 90 to 95% जितना इडियम्स इसमें ऐसा किया जाए जो एग्जाम्स में आ जाए। तो ये नया बैच अगले मंथ से लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, इडियम्स और वन वर्ड का। और मेंस का बैच खत्म होगा, उसके जगह पे आपका क्लोज टेस्ट का फिर नया बैच आएगा, क्लोज टेस्ट का और PQRS का और किसका, पैसेज का। और साथ में वीक में, पहले तो मैंने डाउट सेशन वीक में एक ही दिन सोचा था, लेकिन अब लग रहा है ना कि बच्चों के काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, एक दिन से नहीं होगा, तो वीक में 2 डाउट सेशन भी आएगा। तो फेब्रुअरी मंथ में डाउट का बैच आएगा, एक डाउट का बैच मतलब डाउट सेशन वाला, वीक में 2 दिन ईडीएम्स और वन वर्ड का बैच आ रहा है, और नया बैच आ रहा है क्लोज टेस्ट का। तो ये सारे बैचेज है, और मेरे बैचेज में आपको एडमिशन लेने के लिए अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करिए, ये एडमिशन के समय आपसे एक कोड मांगेंगे, रानी 10 डाल दीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस को देखते हो तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट, कुछ पॉइंट्स इकट्ठा किया होगा आपने, और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आपके लिए नंबर अवेलेबल, ठीक है, एनी टाइम आप कॉल, एनी टाइम मतलब ऑफिस टाइम में नंबर कॉल कर सकते हो, ठीक है। और अब है ये अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स का बैचेस, बहुत सारे बैचेस 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका संकल्प बैच है, सफलता बैच है, लक्ष्य बैच है, लक्ष्य बैच है, लक्ष्य बैच है, जनरल स्टडीज़ का बैच है, फाउंडेशन बैच है 27 जनवरी से, सारे बैचेस 27 जनवरी का है, स्टेनोग्राफर का बैच है, मिशन दिल्ली पुलिस का बैच है, अच्छा। और हर मंडे के मंडे मेरा प्री का टेस्ट होता है, सारे स्टूडेंट को पता है, मंडे को 9 बजे से टेस्ट होता है और सारे बच्चों के लिए फ्री है। मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद रानी मैम से जुड़ जाना, आप आराम से टेस्ट देना, स्कोर मैं पूछूंगी ट्यूसडे को। आइकॉनिक फीचर्स है, ये सब तो है ही, टेस्ट सीरीज है। और मुझे कॉम्बैक्ट के बारे में बताना था, इस बार जो कॉम्बैक्ट है 23 जनवरी को, इस संडे को जो कॉम्बैक्ट है ना, वो मैथ्स का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, तो इसको भी दीजिएगा। देखो यहाँ पे 50 मिनट्स है, 30 क्वेश्चंस, ओके। तो ये सारे आपके बैचेस है, सो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। अब हम हैप्पी वीकेंड, अब हम सैटरडे संडे तो आपकी क्लास नहीं होती है, मंडे और ट्यूसडे को नरेशन चलेगा, उसके बाद आपका खत्म, ओके। चलो थैंक यू एवरीवन। चलो स्टार्ट किया जाए, ओके। इंग्लिश बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। चलो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, और जो सारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आज मैं जो लेकर आई हूँ, दैट इज ऑल प्रीवियस पेपर, प्रीवियस पेपर है, ठीक है। आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विथ प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। हिंट ही नहीं दिया, चलो पहले आंसर करिए, बातें बाद में, पहले आंसर बताइए, कौन सा आंसर है। वन का बी आ रहा है, ठीक है, वन का बी आ रहा है। सबसे पहले तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, इसमें पैरेललिज्म देखना है। पैरेललिज्म मतलब देखो, बट ऑल्सो किसके पहले लगा है, विथ के पहले, बट ऑल्सो विथ के पहले, एक प्रेपोजिशन के पहले है, तो नॉट ओनली को भी प्रेपोजिशन से पहले चाहिए, बट नॉट ओनली तो वर्ब के पहले लगा है, इसको प्रेपोजिशन यहाँ पे लाना है, बाय प्रेपोजिशन है इसके पहले, तो होगा वी आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय। देखो प्रेपोजिशन के पहले नॉट ओनली और बट ऑल्सो भी प्रेपोजिशन के पहले। सेकेंड, वी हैज फिनिश्ड आर लंच हाफ एन आवर अगो। थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, वी हैज फिनिश्ड आर लंच, ए आंसर आ रहा है। पहले तो वी के साथ, वी के साथ तो हैज लगेगा ही नहीं, वी के साथ हैव लगेगा, ठीक है। अब सेंटेंस देखो, हाफ एन आवर अगो, हाफ एन आवर अगो, जब भी सेंटेंस में अगो आ गया, इसका मतलब है हम अपना लंच हाफ एन आवर अगो कर चुके, तो पास्ट में जाएगा। हाँ,
ये तो फ्यूचर में जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम दोनों तो पास्ट है, फिनिश्ड भी पास्ट है और हैड फिनिश्ड भी पास्ट ही है, पास्ट परफेक्ट में दोनों तो पास्ट है, तो आपने हैड फिनिश्ड क्यों नहीं लगाया, फिनिश्ड क्यों लगाया, चलो बताओ। हाँ, जैसे योगेश बोल रहे हैं कि हैड फिनिश्ड आपने क्यों नहीं लगाया, फिनिश्ड क्यों लगाया। याद रखना है कि जब भी हम एक्शन पे, ध्यान से सुनोगे ये कंफ्यूजन वाला एरिया है, जब भी हम एक्शन पे जोर डालते हैं ना, तो वहां परफेक्ट लगाते हैं, ठीक है, परफेक्ट टेंस लगाते हैं, और जब भी हम टाइम पे एम्फेसिस डालते हैं तो वहां पे सिंपल पास्ट लगाते हैं। अगर मैंने ऐसा लिखा होता, वी हैड फिनिश्ड आवर लंच, और फिर मैंने लिखा वी फिनिश्ड आवर लंच, दोनों पास्ट टेंस में भी है, दोनों पास्ट है, बट ये सिंपल पास्ट है, वी फिनिश्ड आवर लंच, ये सिंपल पास्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है। अभी तो दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस सही है, क्योंकि दोनों पे हम एक्शन पे जोर डाल रहे हैं, ठीक है, एक्शन पे जोर डाल रहे हैं, मतलब एक्टिविटी पे, कौन सा एक्टिविटी पे, लंच फिनिश करने का, तो यहाँ एक्टिविटी पे जोर डाल रहे हैं, दोनों सही है। लेकिन अगर दोनों सही है, अगर ऐसा सेंटेंस होता वी हैड फिनिश्ड आवर लंच एन आर अगो, हम अपना लंच फिनिश कर चुके हैं एक घंटा पहले, तो अब मैं एम्फोसिस एक्शन पे नहीं डाल रही, अब मैं टाइम पे डाल रही, और जब भी आप टाइम पे एम्फोसिस डालोगे तो परफेक्ट का यूज नहीं होगा, सिंपल पास्ट। ओके, यस, तो सेंटेंस देखो यहाँ पे, एन आर अगो, टाइम पे जो डाला है ना, टाइम पे जो डाला है, दैट इज सिंपल पास्ट। आई विश आई वॉज अ सुपरमैन, अगर टाइम 15 ईयर्स होता, 15 ईयर्स मतलब हाँ 15 ईयर्स अगो भी लंच कर रहे हो तो फिर भी पास्ट ही जाए। हाँ, आई विश आई वॉज अ सुपरमैन, काश मैं सुपरमैन रहता, काश मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता। जो काश वाला सेंटेंस होता है ना, वो हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सेंटेंस, आप इमेजिन कर रहे हो, और ऐसे सेंटेंस में सिंपल पास्ट का प्लूरल लगता है, वर्ब, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होता। नॉर्मल सेंटेंस में आई के साथ वॉज लगेगा, जैसे मैंने लिखा आई वॉज एबसेंट, मैं एबसेंट थी, तो ये तो कोई इमेजिनरी सेंटेंस नहीं है ना काश वाला। अगर मैं लिखती इफ आई वॉज द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया की पीएम होती, तो ये तो हाइपोथेटिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे वॉर होगा, वॉर। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ जापान, दिस इज ऑफ 2017 प्री का पेपर है, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका, आंसर बताइए, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका, ए आर वाइजर देन दैट ऑफ अमेरिका, गलत है, क्योंकि आपने तो रट लिया। यहां पे कंपैरिजन किसके किसके बीच हो रहा है, यहां पे कंपैरिजन हो रहा है जापान का नहीं, जापान के लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, जापान के पीपल का कंपैरिजन अमेरिका से नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका प्लेस है, हम प्लेस और लोगों का कंपैरिजन नहीं करेंगे, कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी के बीच होगा, पीपल का पीपल से या प्लेस का प्लेस से, बट यहाँ तो पीपल का प्लेस से हो रहा, गलत है। आर वाइजर देन दैट ऑफ, आपके दिमाग में तो दैट ऑफ है, ये दैट किसके लिए लगा है, पीपल के लिए, बट पीपल तो प्लूरल होता है, तो पीपल के साथ दैट नहीं होगा, दोज पीपल का दोज होगा, अगर क्लाइमेट रहता ना, द क्लाइमेट ऑफ जापान इज बेटर देन, तब दैट ऑफ लगाते। नेहा वॉज टू क्लेवर टू सी थ्रू रोहन ट्रिक्स, नेहा काफी क्लियर थी, सॉरी क्लेवर थी, उसने रोहित के ट्रिक्स को पहचान लिया, भाप लिया। बी आर आई सी इंटू ना, सी थ्रू का मतलब होता है ना, आप दाल में कुछ काला है और उसको आप पता कर ले रहे हो, भाप लेना, टू फाइंड आउट, सी थ्रू, सही है। नो इम्प्रूवमेंट, सी एट नहीं होगा, सी थ्रू, आई कैन सी थ्रू योर ट्रिक्स, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। नो सूनर आई सॉ द लिजर्ड देन आई रैन अवे, नो सूनर आई सॉ द लिजर्ड देन आई रैन अवे, थोड़ा स्पीड में, ज्यादा क्वेश्चन होगा। हाँ, नो सूनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो नो सूनर वाला सेंटेंस इन्वर्जन लेता है, इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट के पहले वर्ब, देखो यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, गलत है,
यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, गलत है, यहाँ तो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है. डिड आई सी, डिड आई, इन्वर्जन चाहिए. इफ द स्क्रीन वॉज एनी ब्राइटर इट वुड हैव बीन ईजियर टू रीड फ्रॉम द टैबलेट. अगर अगर स्क्रीन ब्राइटर होता तो मेरे लिए इजी हो जाता टैबलेट से पढ़ना. बताइए. ये सब प्री का है, ठीक है, प्री का सेंटेंसेस है. क्योंकि अभी अभी मैंने देखा, लास्ट टाइम तो हमने मेंस का किया था, मैंने अभी देखा कि बच्चों का प्री में सीएचएसएल का एग्जाम, इसको ध्यान में रखते. अभी मैं आपसे बात करूंगी सीएचएसएल को ले. इफ द स्क्रीन, हाँ, वुड हैव बीन ये आपने पढ़ा होगा. इफ प्लस हैड प्लस वी थ्री और सेकेंड पार्ट में वुड हैव शुड हैव आता है, तो ये पहला वाला पार्ट परफेक्ट में जाना चाहिए ना. V3 had been brighter. Was नहीं होगा, was more brighter तो होगा ही नहीं, ठीक है. More भी comparative है और brighter भी comparative है. जब brighter का er लगा के comparative बनता ही है तो फिर से more नहीं लगाओ. और bright enough भी नहीं होगा क्योंकि इसको perfect में डालना, ये तो simple past है ना, इसको perfect में डालना. Had plus V3 आएगा पहला वाला part में. He has been working off and on for several years on this theory. He has been working off and on. एडजेक्टिव के पहले इनफ नहीं आता है, इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है, बट मैंने इसलिए इसको काटा ना. ये सिंपल पास्ट है बट मुझे परफेक्ट चाहिए. ऑफ एंड ऑन का मतलब नहीं, ऑफ एंड ऑन सही है, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली. सही है, सही है. इनफ ब्राइट नहीं होगा निखिल, ब्राइट इनफ होता है. इनफ एडवर्ब है, हमेशा एडजेक्टिव के बाद ही आ. द ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा. ये मैंने यूट्यूब पे करवाया है, ठीक है. एक सेशन मैंने जीरन का करवाया था, उसमें ऐसे ही वाला सेंटेंस करवाया था क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस था. क्योंकि बच्चे तो पढ़ के गए थे कि मैम वर्थ के साथ आई एन जी लगता है, तो वर्थ के साथ यहाँ आई एन जी लगा है. बहुत सारे बच्चे नो इम्प्रूवमेंट कर लिए, लेकिन गलत है. वर्थ वर्ड जीरन नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा नो इम्प्रूवमेंट नहीं है. द ताजमहल इज अ वर्थ सेइंग मॉन्यूमेंट नहीं होगा. आंसर सेकंड है. इसको मैंने बहुत डिटेल में यूट्यूब पे समझाया हुआ है, ये सेंटेंस काफी बार आया है, ठीक है. वर्थ वर्ड अपने साथ जीरण लेता है, बट यहाँ का सेइंग जीरण का काम नहीं कर रहा है, इसको नाउन के बाद ले आया है. देखने लायक मॉन्यूमेंट है, जीरण होगा ये वाला. I am always wondered what it would be like to be inside a chocolate factory. मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि कैसा होता कि अगर मैं चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर होता. बताइए. I am always wondered. I have always wondered. ठीक है. हाँ, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, बट ये तो थर्ड फॉर्म नहीं है. हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए. हैव के साथ आईएनजी आ सकता था, अगर बीन लगता तब आईएनजी आता, ये भी अलग. तो आंसर इज आई एम वंडर्ड नहीं होगा. मैं वंडर्ड नहीं हूं, मैं अक्सर वंडर करता हूँ, सोचता हैव. नेक्स्ट, दे लोडेड देयर शिप्स विद स्पाइसेस एंड सिल्क्स एंड रिटर्न्स विद द समर सीजन. They loaded their ships with spices and answer is first. Parallelism करना है, loaded past है, and से जुड़ा है तो बाद वाले को भी past रखना है. Returned होगा, return. We had a few eggs in the fridge, so we needed to go out to the market to buy them. Sessions अच्छे लग रहे हैं तो like करते जाना, शेयर जरूर करना. मैक्स एग्जाम का टाइम है, मैक्सिमम बच्चों को फायदा मिले. लिटिल कहां से लगाओगे? लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए, लिटिल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल, बट एग्स तो काउंटेबल है, तो लिटिल का तो सवाल ही नहीं, लिटिल तो हट ही गया. अ फ्यू का मतलब अ फ्यू पॉजिटिव है, थोड़े बहुत एग्स थे, और फ्यू का मतलब है नेगेटिव. देखो, एग्स नहीं थे तभी तो मार्केट जाके लाना पड़ा ना,
ओके एग्स उसके पास नहीं थे तो हम मार्केट जाके खरीदना पड़ा, उसके बाद मतलब है ना के बराबर एग्स था। फ्यू होगा, फ्यू। शी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। फ्यू मीन्स ना के बराबर, अ फ्यू मतलब थोड़ा। शी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल ना, नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है निधि। नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं होगा, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या जा रहा है, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट जा रहा है कि फ्रिज में ना के बराबर होगा तभी तो वो खरीदने गया है ना। शी, हाँ, सुपरलेटिव के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। यहां भी द आना चाहिए क्योंकि दो अलग अलग क्वालिटीज बताई जा रही है ना। द आंसर इज दिस, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी एज शी इज एफिशिएंट। द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी एज शी इज एफिशिएंट। अपॉइंटेड के साथ तो एज नहीं होता है, इसलिए अपॉइंटेड के साथ पैसिव में एज हो सकता है। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, बट एक्टिव में अपॉइंटेड के साथ एज नहीं होगा। हाँ चलो बताओ, ही वॉज अपॉइंटेड, और यहाँ भी अपॉइंटेड के साथ एज नहीं होगा। सही है, कौन सा होगा आंसर? ही वॉज ना, कहाँ से ही वॉज अपॉइंटेड, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज नहीं होगा। अपॉइंटेड के साथ एज नहीं होता है, क्वेश्चन भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर थर्ड होगा, थर्ड होगा। अच्छा फर्स्ट क्यों नहीं होगा, फर्स्ट क्यों नहीं होगा, थर्ड होगा, थर्ड होगा। फर्स्ट का मीनिंग अलग जा रहा है। द चेयरमैन अपॉइंटेड हर, अगर सेंटेंस ऐसा लिखा ना मैंने, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर अ सेक्रेटरी, ठीक है, और द चेयरमैन अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी। चलो बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, यहीं पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ क्या डिफरेंस है? कंफ्यूजिंग है, हाँ कंफ्यूजिंग है, तो यहीं पे फंसोगे ना। हाँ, उसने उसने हर को ही सेक्रेटरी बनाया, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि चेयरमैन ने हर के लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया, बट यहां उसने तो हर कोई सेक्रेटरी बना दिया, ठीक है, हर कोई सेक्रेटरी बनाया है। और यहाँ पे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार यहाँ उसने हर कोई सेक्रेटरी बनाया क्योंकि वो खुद ही एफिशिएंट थी ना, शी एफिशिएंट थी, उसने इसको बनाया। सो द आंसर इज दिस, दिस। वेरी गुड शिव, अलग जा रहा था ना, तो उसका मतलब आ रहा था कि चेयरमैन ने हर के लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया। ओके नेक्स्ट, हैविंग हैड इन द यूएस एम्बेसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मिस्टर गुप्ता हैज मेट मेनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज। चलो बताओ, हैविंग हैड इन द यूएस एम्बेसी, चूंकि वो यूएस एम्बेसी में लंबे समय तक रह चुके थे, इसलिए मिस्टर गुप्ता के साथ, मिस्टर गुप्ता ने बहुत सारे प्रसिद्ध पर्सनालिटीज से मीट किया। चलो बताओ, हैविंग ही हैज बीन इन द यूएस ना, चलो बताओ, ही हैड ही बीन, हैविंग बीन, आंसर इज हाँ, हैविंग बीन, हैविंग बीन, हैविंग बीन एक परफेक्ट पार्टिसिपल है, चूंकि वो एम्बेसी में रह चुके थे, ठीक है, एम्बेसी में रह चुके थे, उसलिए। द गेस्ट स्टूड क्वाइटली फॉर फॉर फ्यू मोमेंट मोमेंट्स, हैविंग बीन परफेक्ट पार्टिसिपल है, यस, ये आपको पढ़ा चुका है मैंने। चलो बताओ, द गेस्ट स्टूड क्वाइटली, गेस्ट कुछ क्षण तक, फ्यू टाइम नहीं होगा, टाइम इज अनकाउंटेबल, फ्यू टाइम नहीं होगा, अनकाउंटेबल है। द गेस्ट स्टूड क्वाइटली कुछ समय तक, ना के बराबर समय तक नहीं है, अ फ्यू नेगेटिव है, कुछ समय तक, अ फ्यू मोमेंट्स, द नहीं होगा, द फ्यू तो किसी खास मोमेंट्स की बात हो रही है, अ फ्यू मोमेंट्स। आई एम डेफिनेटली लेट, द बस विल हैव लेफ्ट द बस स्टॉप
बाय द टाइम आई रीच देयर, बाय द टाइम मतलब मैं जब तक वहां पहुंचूंगा बस जा चुकी होगी, जब तक मैं वहां पहुंचूंगा बस जा चुकी होगी। आंसर बताना है, बाय द टाइम आई लीव देयर, बाय द टाइम एक कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस के बाद वाला सिंपल प्रेजेंट होगा और ये तो फ्यूचर जाएगा। आंसर नो इंप्रूवमेंट, फ्यूचर परफेक्ट इसलिए क्योंकि बस के जाने का काम हो चुका होगा, परफेक्ट में चाहिए, परफेक्ट परफेक्ट ना। वुड नहीं लगाओगे, वुड हैव थोड़ी लगाओगे, बट बस वुड, वुड क्यों लगाओगे, वुड हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आई एम डेफिनेटली लेट, द बस वुड को हम, हाँ वुड को याद रखना है कि वुड को हम पास्ट फ्यूचर में तब लगाते हैं ना जब वुड के साथ बी लगाओ, आई वुड बी प्रेजेंट, आई वुड बी प्रेजेंट टुमारो, ठीक है। अदरवाइज वुड को हम पास्ट या प्रेजेंट में यूज करते हैं, फ्यूचर में तब लगाते हैं जब बी लगाओ, आई वुड बी कमिंग टुमारो, आई वुड बी प्रेजेंट, बट यहाँ बी थोड़ी लगा है, बी नहीं लगाइए, फ्यूचर नहीं जा सकता, आपके पास फ्यूचर है ही, बाय द टाइम द बस विल हैव लेफ्ट, फ्यूचर है। अगर रीच्ड होता ना, अगर यहां पे रीच्ड होता, बाय द टाइम आई रीच्ड, यहां पे रीच्ड होता तो मैं वुड वाला लगा सकती थी, तब वुड लगा सकती थी। हाँ गलत आंसर है, आई विद द बस विल हैव लेफ्ट, बाय द टाइम आई रीच, नहीं नहीं वो ऐसे कैसे मान लो, ऐसे कैसे मान लो कि एसएससी ने आंसर वुड दिया था, बिल्कुल मैं नहीं मानूंगी। रीच्ड होता तो वुड देता, बाय द टाइम आई रीच्ड, जब तक मैं वहां पहुंचा बस जा चुकी थी, तब वुड होगा, तब वुड होगा। वुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में, बट यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है। द पुलिस ब्रोक अवे द कंसर्ट एज इट टर्न्ड वॉयलेंट, कंसर्ट कोई कंसर्ट मतलब कोई म्यूजिकल प्रोग्राम या कंसर्ट चल रहा था, ठीक है, कोई म्यूजिकल प्रोग्राम वगैरह चल रहा होगा, पुलिस ने ब्रेक अवे कर दिया। ब्रेक अवे का मतलब होता है एस्केप करना, ब्रेक अवे का मतलब होता है रन अवे, रन अवे का मतलब है बच कर निकलना। ब्रेक थ्रू, पुलिस को एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है, ब्रेक थ्रू का मतलब है अचानक से सक्सेस मिली है, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब, ब्रेकअप मतलब किसी चीज को एंड करना, ठीक है, डिस्पर्स करना, एंड करना। और ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ करना है स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद कर देना। चलो सबका मीनिंग बता दिया, अब आंसर बताइए। देखिए निश्चय ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ इस YouTube चैनल पे ना सब बच्चों के लिए हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोलोगे कि मेंस का क्वेश्चन लाना तो मेंस ही का लाना, क्योंकि मेंस का रिवीजन बैच ऑलरेडी चल रहा है, अनअकैडमी पे मेंस का रिवीजन बैच ऑलरेडी चल रहा है, काफी सारे CHSL बच्चे वाले बच्चों की डिमांड आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक स्टूडेंट को लेके चलूंगी, मुझे CHSL वाले बच्चों को भी देखना है क्योंकि उनका एग्जाम्स पास है तो उनके लेवल का ज्यादा प्रैक्टिस होगा। ऐसा कि आप टफ बोलोगे ना, मेरे पास तो पूरा स्टॉक भरा हुआ है टफ का, मैं टफ टफ क्वेश्चंस उठा के ले आऊंगी, बट CHSL वाले बच्चों को उस लेवल का चाहिए ही नहीं, उनका एग्जाम पास है, उनका एग्जाम पास है, तो मुझे उनके लिए थोड़ा अभी ज्यादा वर्क करना है। ओके तो मेंस वाला का तो सेट चल ही रहा है, CHSL का कब से स्टार्ट है, क्या 12 से स्टार्ट है आई थिंक, अभी जिसका एग्जाम था। द पुलिस ब्रोक अप, ब्रोक अप कंसर्ट को एंड कर दिया, ठीक है, स्टॉप टॉकिंग नहीं हुआ, ब्रेकअप कर दिया। मंडे से है, मंडे आई थिंक 12 तारीख है ना, मंडे से है, तो काफी सारे CHSL वाले बच्चों का डिमांड था, मैम हमारे बारे में भी सोचिए, तो अभी उनको मैक्सिमम करना। अभी मैं आपको 110 क्वेश्चन लेके आऊंगी। हाँ देखो रिधान, रिधान हमारे स्टूडेंट है तो वो बोलते हैं कि मैम के पास टफर से भी टफर क्वेश्चंस है, जैसा बैच वैसा क्वेश्चन। अभी देखो मेंस के बच्चे को मैं जब क्वेश्चन लेके जाती हूँ तो कभी कभी उनका कहना होता है कि मैम आपने बदला लिया है क्या, उन्हें वैसा चाहिए। ओके हाँ चलो नेक्स्ट आ जाओ। रीना पुट, रीना कैन नॉट पुट फोर्थ विथ हर नेस्टी फेलो, रीना जो उसके नास्टी फेलो है वो उसके साथ डैश नहीं कर रही है। पुट फोर्थ, पुट फोर्थ का मतलब क्या होता है, कोई सजेशंस वगैरह देना,
जैसे मैंने आपके आगे बहुत सारे सजेशंस पुट फोर्थ, मेनी सजेशंस देना, पुट इन करना मतलब इंटरप्ट करना, एक मैंने आपको सेट इन भी करवाया, मतलब ब्रेक इन करवाया, ब्रेक इन का मतलब भी है इंटरप्ट करना। पुट आउट का दो मतलब होता है, एक पुट आउट का मतलब बुझाना भी होता है, बुझाना, और एक पुट आउट का मतलब होता है सैड, डिसअपॉइंटेड। और पुट अप का भी दो मतलब होता है, एक पुट अप का मतलब होता है रहना, स्टे, और एक पुट अप, लेकिन साथ में विथ लगा हुआ है, विथ, पुट अप आगे देखो, विथ लगा हुआ है, पुट अप विथ, ये तो कई बार करवाया है। पुट अप विथ का मतलब है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, पुट अप विथ होगा। रीना टॉलरेट नहीं करेगी अपने ऐसे नेस्टी फेलो को। यस, नोटिस लगाना भी होता है, एक नोटिस को चिपकाना ऐसे जगह पे जहां से सब लोग देख पाए। रोहित डिड मेनी मिसशिप्स, सबका होगा उज्जवल, सबका होगा, सीपीओ होगा, लेकिन बारी बारी से। हाँ, रोहित डिड मेनी मिसचिफ्स। देखो, मिस्टेक या मिस्चिफ को, मिस्टेक या मिस्चिफ को कभी भी डिड नहीं करते। मैंने लिखा आई मेड, आई डिड अ मिस्टेक नहीं होगा, आई डिड अ मिस्चिफ नहीं होगा। मिस्टेक या मिस्चिफ के साथ हमेशा मेड लगता है। यू डू मिस्टेक्स, यू मेक मिस्टेक्स, ही इज मेकिंग मिस्टेक्स, तो यहाँ तो मिस्चिफ के साथ डिड तो लगेगा नहीं, डिड, सॉरी, डिड नहीं लगेगा, इसलिए क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत। ओके, हाँ, और ही मेड मच मिस्चिफ्स, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मिस्चिफ्स काउंटेबल है, मिस्चिफ्स का प्लूरल बन रहा है, काउंटेबल है, और काउंटेबल चीजों के साथ मच का यूज नहीं होगा। चलो आप बताओ, कमिटेड डाल सकते हैं, ही मेड मेनी अ मिस्चिफ्स नहीं हो, अ लगा है ना, अ के बाद सिंगुलर चाहिए, ये भी गलत है, मेनी, मेनी के बाद प्लूरल डाल सकते, कमिटेड डाल सकते हो, कमिटेड। ओके, द किड जम्प्ड विथ डिलाइट ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस। सर्कस में जोकर को देख के क्या बच्चा खुश हो गया। देखो, रफियन ड्यूड तो नहीं होगा, ये जो रफियन तो वॉयलेंट पर्सन को बोलते हैं, और ये भी मिस्चीवियस पर्सन, ये तो नहीं होगा। अब क्लाउन, जैसे हम लोग बातचीत में तो बोल देते हैं कि सर्कस में जोकर को देखा। देखो, जोकर किसे बोलते हैं, जो भी जोक्स करता है, ठीक है, जो भी जोक्स बोलता है वो एक जोकर है। ओके, जो भी जोक्स मजाक कर रहा है वो जोकर है, बट सर्कस में जोकर नहीं होता है, सर्कस में क्लाउन होता है। क्लाउन का मतलब क्या होता है, क्लाउन का ड्रेस भी हंसने वाला होता है, ठीक है, जोकर जरूरी नहीं है कि जोकर ड्रेस में आएगा, बट सर्कस में जो क्लाउन होते हैं वो कुछ अटपटा सा ड्रेस पहनकर आएंगे, उनका उनका गेटअप जोकर वाला होता है, उसको हम क्लाउन बोलते हैं, ठीक है। क्लाउन आपको आकर हंसाता है, उसका ड्रेस भी कुछ अलग सा रहेगा। मिस्चिफ्स होता है निश्चय, मिस्चिफ, मिस्चिफ का प्लूरल मिस्चिफ्स होता है। ओके, नेक्स्ट वाला, वन शुड गेट ट्रेन्ड टू प्रिपेयर वंस ओन ब्रेकफास्ट। आंसर बताना, सेशन को शेयर जरूर करना। हाँ, हम लोग क्लाउन, क्लाउन मतलब कुछ अटपटा ड्रेस पहनेगा, उसका ड्रेस और लुक देख के लोग हंसने लगेंगे। और जोकर तो कोई भी हो सकता है, जो जोक्स बोलता है वो जोकर है, जोकर ऐसा ड्रेस में नहीं होता। हाँ, वन शुड गेट ट्रेंड, देखो, अपना प्रिपेयर, अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाने के लिए आपको ट्रेंड नहीं होना, ठीक है। आपको वन शुड गेट प्रिपेयर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि देखो, गेट प्रिपेयर्ड टू प्रिपेयर ये भी नहीं होगा। अब बताओ आंसर, वन शुड गेट, हाँ, हैबिचुएटेड है या यूज्ड है। यूज्ड होगा, यूज्ड होगा। अब बताओ, हैबिचुएटेड क्यों नहीं होगा, हैबिचुएटेड क्यों नहीं होगा। वन शुड गेट हैबिचुएटेड टू, वन शुड गेट, हाँ, हैबिचुएटेड क्यों नहीं होगा। यहां तो शुड शुड गेट जो है ना, ये ऑक्सिलरी है और गेट मेन वर्ब है। वन शुड गेट हैबिचुएटेड टू, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। वन शुड गेट हैबिचुएटेड टू, तो यूज टू भी तो वही होगा, वन शुड गेट यूज टू। हाँ बताओ, हैबिचुएटेड,
के बाद जीरंड आता है, ही हैबिचुएटेड और ही गॉट यूज्ड टू, यूज्ड टू के साथ भी आ जाता है, जैसे वन शुड गेट यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, वो भी आ सकता है। ये जो टू है ना, वन शुड गेट यूज टू प्रिपेयरिंग, नहीं है गेट यूज, यहाँ पे गेट वर्ड लगा है, गेट गेट हैबिचुएटेड टू नहीं होता है, बी हैबिचुएटेड टू होता है, वन शुड बी हैबिचुएटेड टू, बट गेट के साथ यूज आता है, यूज यूज यूज। द एंग्री मैन वॉज कैरिड, बहुत सारा फ्रेजल वर्ब्स आया था। हाँ वेरी गुड निधि शर्मा, बी हैबिचुएटेड टू होता है बट बी यूज टू नहीं होता है, गेट यूज टू होता है। ओके यस, द यंग मैन वॉज कैरिड बाय द पैशनेट अपील मेड बाय द सोशल वर्कर, ये मैंने आपको सारा फ्रेजल वर्ब्स करवा दिया है। द यंग मैन वॉज कैरिड, द यंग मैन वॉज कैरिड बाय, गुड आफ्टरनून श्वेता, द यंग मैन वॉज कैरिड, हाँ चलो बताओ, द यंग मैन वॉज कैरिड ऑफ, वॉज कैरिड टूवर्ड्स, वॉज कैरिड अवे बाय, कैरिड अवे, कैरिड टूवर्ड्स नहीं, कैरिड अवे बाय, ये मैंने आपको फ्रेजल वर्ब करवाया। ही वॉज कैरिड अवे बाय इमोशंस, कैरिड अवे मतलब भावनाओं में बह जाना, किसी की बातों में आ जाना, किसी बातों से, किसी की बातों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाना, प्रभावित हो जाना। तो द यंग मैन वॉज कैरिड अवे बाय द अपील, सोशल वर्कर की बातों में आ गया, कैरिड अवे बाय। ड्यू टू हैवी मनसून शार्स द वॉटर इन द डैम रोज अनदर 2 फीट, हाँ भावनाओं में बह जाना। आंसर बताइए, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया है, सब पढ़ा दिया है। राइज, राइज का मतलब, राइज का रोज और राइजन, वी टू रोज और राइजन, और एक है रेज और उसका वी टू रेज्ड और रेज, ये सब पढ़ा दिया है। मैक्सिमम आपको मैंने 90% सिलेबस करवा दिया है ग्रामर का, ठीक है। राइज का मतलब है खुद ब खुद बढ़ना, वाटर का लेवल खुद ब खुद बढ़ रहा है, बट रेज का मतलब है बढ़ाना। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को रेज किया है, आपने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए, फ्लैग को रेज किया, किसी के द्वारा बढ़ाया जाना या किसी के द्वारा उठाया जाना, बट यहाँ तो खुद ब खुद बढ़ना। हाँ तो बताओ, आंसर बताओ। ड्यू टू हैवी मनसून शार्स द वॉटर इन द डैम रोज अनदर 2 फीट, ना बारिश की वजह से, ना बारिश की वजह से पानी खुद ब खुद 2 फीट बढ़ गया, पानी खुद ब हैड राइजन, ना ड्यू टू हैवी रेन द वॉटर इन द हैड राइजन अ फुट, अगर क्वेश्चन हैज राइट हैज, बताओ हैड राइजन अ फुट, हैज रेज्ड, आपने जाके पानी को रेज, तो वर्ड बिल्कुल नहीं होगा, रेज तो नहीं होगा, रेज ही हो, नो इंप्रूवमेंट है, नो इंप्रूवमेंट, पानी खुद ब खुद, हाँ हैड राइजन, मानसून की वजह से हैड राइजन, इसलिए नहीं होगा ना, मानसून की वजह से, मानसून की वजह से पानी साथ, दोनों काम एक साथ हुआ, बारिश हुई और पानी बढ़ा। हैड राइजन का मतलब है पहले ही बढ़ चुका नहीं था, हैड राइजन मतलब पानी बढ़ चुका नहीं था, उसके बाद मानसून नहीं आया, दोनों काम एक साथ हुआ, नो इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ आई माई सेल्फ थिंक दैट दिस इन्वेस्टिगेशन इज बायस्ड, आई थॉट माई सेल्फ, थॉट नहीं होगा, ये देखो प्रेजेंट जा रहा है ना, प्रेजेंट जा रहा है तो प्रेजेंट तो आपको रखना है, थॉट तो हटाओगे, थॉट तो हटाओ। आई माई सेल्फ थिंक, आई थिंक माई सेल्फ का मतलब है मैं खुद अपने आप से सोच रहा हूं, बट यहाँ पे आई माई सेल्फ थिंक, मैं खुद भी ये सोच रहा हूँ, खुद भी सोच रहा हूँ मतलब बाकी लोग भी सोच रहे हैं, और आई माई सेल्फ मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ये तो पक्षपात वाला इन्वेस्टिगेशन, तो आई माई सेल्फ थिंक नो इम्प्रूवमेंट, आई थिंक माई सेल्फ नहीं होगा, मैं अपने, मैं आई थिंक मैं सोचता हूँ अपने से, खुद से, मैं खुद से नहीं सोचता हूँ, आप हो तो आप ही थिंक करोगे ना, मैं भी ये सोचता हूँ, आई थिंक माई सेल्फ,
आई थिंक माई सेल्फ मतलब समझ रहे हो, आई थिंक माई सेल्फ, आई थिंक मैं खुद ही सोचता हूं, ठीक है, मैं भी वही हूं, सोच भी वही रहा हूं, आई थिंक माई सेल्फ, आई माई सेल्फ थिंक, ठीक है, आई माई सेल्फ थिंक का मतलब है ना कि बाकी लग बाकी सब तो सोच ही रहे हैं, मैं भी, मुझे भी ये लगता है कि सेंटेंस ये अनबायस, सॉरी बायस्ड है, पक्षपात है, पक्षपात. नेक्स्ट, फैंस क्यू, फैंस ने एकदम लाइन लगा दिया फॉर द कंसर्न टिकेट्स, कंसर्ट टिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस लगा हुआ है, सिंस का काम क्या होता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, आदमी अपॉइंट कर सकता है सोचने के लिए, बट सेंटेंस में उसने क्या बोला है, वो खुद होनहार थी इसलिए उसे अपॉइंट किया गया, शी इज एफिशिएंट तो उसको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, उसके लिए थोड़ी क्या आएगा, चलो बताओ, फैंस क्यूड फॉर द फैंस ने, फैंस, फैंस प्लूरल है ना, फैंस के साथ प्लूरल है तो हैज नहीं आएगा, हाँ फैंस हैव हैड क्यूड, हैव हैड क्यूड, क्यू कर चुके हैं, हैव हैड क्यूड, और फैंस हैव बीन क्यूइंग अप, हैव बीन, यस, अर्ली मॉर्निंग से लेकर अब तक, यहाँ पे इन्होंने, हाँ अप आएगा, क्यूइंग अप का मतलब एकदम लाइन अप होना, अप का यूज होना जरूरी है, यहाँ अप नहीं डाला. ओके, नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स हु आर लिविंग इन कम्युनिटीज रेगुलेटेड बाय सोशल नॉर्म्स एंड लॉज. ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स सामाजिक प्राणी है, एनिमल्स है, और वो ऐसे कम्युनिटीज में रहते हैं ना जो सामाजिक रीति रिवाज कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से नियंत्रित है. चलिए आंसर बताइए, अमंगस्ट ऑप्शंस देखिए, पहले अच्छा श्रुति बोल रहे हैं नो इम्प्रूवमेंट होगा, पहले मुझे बताओ अमंगस्ट नहीं होगा ना, अमंगस्ट दो से ज्यादा के लिए होता है, ठीक है, बट यहां पर तो एक ही कम्युनिटी डाल दिया, ये तो होगा नहीं. लिविंग इन मिड्स्ट ऑफ कम्युनिटीज, इन मिड्स्ट का मतलब है कम्युनिटीज के बीच, ह्यूमन बींग्स कम्युनिटीज के बीच, मिड्स्ट का मतलब होता है इन द मिड्स्ट ऑफ, मतलब के बीच, इन द मिडिल ऑफ, तो यहाँ मिडिल का सेंस नहीं आ रहा ना, ह्यूमन बींग्स कम्युनिटीज के बीच नहीं रह रहे, कम्युनिटीज में रह रहे, कम्युनिटीज में रह रहे हैं, तो इन तो आएगा, इन मिड्स्ट ऑफ नहीं होगा ये. आप सेंटेंस ध्यान दो. यस, निधि शर्मा से लिविंग इन मिड्स्ट ऑफ कम्युनिटी, नहीं मिक्स्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं बताया जा रहा है, वो एक कम्युनिटीज के बीचों बीच नहीं रह रहे, कम्युनिटीज में रह रहे. आप सेंटेंस देखो, दो तो मैंने हटा दिया, अब क्वेश्चन ये गलत है और आंसर ये, अब मुझे बताओ कि ये गलत क्यों है, हु आर लिविंग, दिमाग लगाओ, अभी मैं टेंस में लास्ट क्लास बता रही थी, पहले मुझे बताओ हु आर लिविंग इन कम्युनिटीज, जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन गलत क्यों है. मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से गलत प्रूव करूंगी, ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स हु आर लिविंग, ठीक है, दे आर एनिमल्स, ये जो हु किसके लिए है, ऐसा लग रहा है ना एनिमल्स के लिए, बट ये एनिमल्स के लिए नहीं है ना, अभी तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हु है, और हु रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले नाउन के लिए लगता है, बट ये एनिमल्स के लिए थोड़ी लगा है, ये तो ह्यूमन बींग्स के लिए लगा है, ह्यूमन बींग्स के लिए लगा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन गलत, एक तो वैसे भी प्रूफ कर सकते हो, और दूसरा हु आर लिविंग, और लिविंग इन, पहले ध्यान से सुनो इसको, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने की है. ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स आर लिविंग इन कम्युनिटीज रेगुलेटेड बाय, ये एक जेनर रेगुलेटेड बाय नियम एंड कानून, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे, ह्यूमन बींग्स आर लिविंग इन कम्युनिटीज रेगुलेटेड बाय ये एंड ये, ये कौन सा टेंस है, ह्यूमन बींग्स आर लिविंग इन कम्युनिटीज, ये कौन सा टेंस है, सॉरी ये कैसा स्टेटमेंट है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ह्यूमन बींग्स एक ऐसे कम्युनिटीज, ह्यूमन बींग्स एक ऐसे कम्युनिटीज में रहते हैं जो सोशल नॉर्म से रेगुलेटेड है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट का टेंस कभी भी
प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा. यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा. एक जनरल बात है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं जाना चाहिए. तो दो तरीके से ये आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है. एक बार रिस्पॉन्ड करिएगा. ये इसको तो मैं रॉन्ग एक तरीके से माना, ये हु एनिमल्स के लिए, बट एनिमल्स कम्युनिटीज में नहीं रह रहे तो ह्यूमन बींग्स रहे, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. अगर सपोज हु नहीं भी रहता, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल, ह्यूमन बींग्स सोशल एनिमल्स आर जो कम्युनिटीज में रह रहे हैं, नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज टेम्पररी एक्शन के लिए करते हैं. बट यहाँ तो एक ह्यूमन बींग्स के बारे में एक जनरल बात बोली जा रही है, ये कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता. लिविंग हो सकता है, लिविंग, लिविंग. हाँ जी, आपने बताया था, आपने बताया था तो याद भी तो रखना है. गॉट इट, गॉट इट. अच्छा ये लिविंग क्या है? ह्यूमन बींग्स लिविंग इन कम्युनिटीज, ये लिविंग क्या है? ये जो आर लिविंग है, आर लिविंग से तो हमें टेंस का पता चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होना चाहिए. बट मैंने इसको हटा के जोड़ा, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स लिविंग इन कम्युनिटीज. तो ये लिविंग क्या था? ये लिविंग जीरेंट था. वेरी गुड, ये लिविंग जीरेंट था. और जीरेंट को, जीरेंट को कोई भी टेंस, जीरेंट का टेंस से कोई लेना देना नहीं है. हमें यहाँ टेंस जीरेंट को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी, क्योंकि जीरेंट नॉन फाइनाइट वर्ब होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस से कोई लेना देना नहीं है. सो द आंसर शुड बी दिस. यस, आंसर शुड बी दिस. ओके, नेक्स्ट. विराट बैट्स वेरी वेल, डिडंट ही? विराट बी बैट्स वेरी वेल, प्रेजेंट में जा रहा है ना? डजंट ही, डजंट ही, प्रेजेंट में जा रहा है. यस, इजंट ही नहीं होगा. बैट्स, यहां बैट्स मेन वर्ब है. अगर मेन वर्ब आ गया तो डू डज डिड लगा के बनाते हैं. एक दो चीज ध्यान रखना, एक दो चीज ध्यान रखना. बहुत जगह पे देखोगे, बहुत चैनल्स पे, एक दो चीज, रणवीर का मैं कुछ कमेंट देख रही थी, बहुत जगह चैनल्स पे 1000 वॉचिंग मिल जाएगा. सॉरी, तो ये सब चीज शायद अभी आप बच्चे हो, नहीं समझ में पा रहे हो. बहुत जगह आपको 1000 वॉचिंग मिल जाएगा, बट उस 1000 वॉचिंग में से ना, 1000 वॉचिंग में से 500 तो टाइम पास करने आए, ठीक है? 1000 वॉचिंग में से 500 टाइम पास करने आए हैं, वो सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं है, वो तैयारी. तो मुझे 1000 वॉचिंग नहीं चाहिए, ठीक है? मेरे वॉचिंग में 400 से 500 ही रहे, लेकिन वो मेरे क्वालिटी वाले बच्चे रहे, क्वालिटी वाले रियल में पढ़ने वाले, ठीक है? तो आप जो बोल रहे हो ना कि मैम पबजी में तो इतने सारे आ जाते हैं, तो काइंडली, इट्स अ वेरी प्योर थिंग, ओके? बहुत प्योरिटी है, टीचर बहुत डेडिकेशन से आपको पढ़ा रहे हैं, फ्री में आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलता है, ठीक है? तो काइंडली इसको पबजी से मत करिए, ओके? पबजी से कंपेयर मत करिए, ठीक है? यहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए. हाँ, तो पबजी से इसको कंपेयर नहीं करना है. मुझे जेन्युइन सीरियस बच्चे चाहिए जो मुझे रिजल्ट दे और बस. हाँ, पबजी से कंपेयर कर रहे हैं. एज द फाइनेंशियल सिचुएशन वर्सेंड, वी रियलाइज दैट वी वर हेडिंग टुवर्ड अ डिजास्टर. चलो, सल्फ्यूरिक एसिड भी आए. नो पबजी ओनली फॉर जी. एज द फाइनेंशियल सिचुएशन वर्सेंड, वी रियलाइज दैट वी वर हेडिंग, वेयर वी वर हेडिंग टुवर्ड. हेडिंग, नो इम्प्रूवमेंट है. हेडिंग इनटू तो बिल्कुल नहीं, हेडिंग टुवर्ड हटा दिया, हटा दिए. अब आंसर बताइए. नो इम्प्रूवमेंट, टुवर्ड्स होना चाहिए ना. हेडिंग का मतलब ही होता है, हेडिंग का मतलब ही होता है किसी और जाना, तो टुवर्ड्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? हाँ,
तो हेडिंग फॉर होगा, हेडिंग फॉर, हेडिंग फॉर, हेडिंग फॉर होगा। क्या लिख दिया था भाई, पबजी का स्पेलिंग गलत लिख दिया था मैंने। एक तो मेरी पबजी की स्पेलिंग भी देख रहे हैं, क्या लिख दिया था, यही लिखा था ना, ये कुछ गलत लगा दिया था। हेडिंग फॉर समवेयर, यस यू आर हेडिंग फॉर द स्टेशन, हेडिंग फॉर। चलिए नेक्स्ट, और मुझे यहाँ किसी को जज नहीं करना है, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। मैं आपकी एडुकेटर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हो, बस एक ही रिलेशन है हम लोग दोनों का, मैं मुझे रिजल्ट चाहिए। आफ्टर टूडेज टेरिबल टेस्ट आई एम श्योर दैट माई टीचर्स ओपिनियन अबाउट मी विल चेंज फॉर द वर्स। आंसर बताइए, नो इम्प्रूवमेंट, हाँ इट्स ओपिनियन अबाउट मी, नो इम्प्रूवमेंट। द पेरेंट्स यस गेव देयर चिल्ड्रेन सम एडवाइस। सबसे पहले सम है, सम एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, और ए डी बी आई एस ई वाला वर्ब होता है, ठीक है, और ए डी बी आई सी ई वाला नाउन होता है। सम एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद नाउन चाहिए, बट यहाँ तो वर्ब डाल दिया, ये भी हटा, और एडवाइसेस नहीं होगा, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, एडवाइसेस नहीं होगा। माय गॉड, ये तो बहुत कॉमन सा एरर है जो एग्जाम में आता, सम एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस नहीं होता, सम एडवाइस, सही है, सही है, नो नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट, रॉन्ग हो जा रहा है, सारे रॉन्ग हो जा रहे हैं। अभी तो बोल रहे हो ना कि मैम और भी टफ लाइए, और भी टफ लाइए। The passengers, चलो अब एंड करूंगी। The passengers were waited for the flight at the immigration lobby for long. For long मतलब लंबे समय से, लंबे समय से वे वेट कर रहे हैं। वेट करना पास में शुरू किया और अब तक वेट कर रहे हैं, और पास को प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए हमें परफेक्ट चाहिए, बट ये तो परफेक्ट नहीं है, क्वेश्चन गलत है। हाँ, had के साथ verb का थर्ड फॉर्म चाहिए, नहीं है। Had been waited और had been waiting में क्या डिफरेंस है? Had के बाद been लग के थर्ड फॉर्म आया, सेंटेंस पैसिव है, और had been waiting सेंटेंस एक्टिव है। तो पैसेंजर्स खुद वेट कर रहे थे लंबे समय से, सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए। सो दिस इज द पब्लिक वेंट देयर एंगर, वेंट देयर एंगर मतलब अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना। पब्लिक ने अपना एंगर जाहिर किया ऑन सोशल मीडिया टू प्रोटेस्ट टुवर्ड्स पुलिस ब्रूटैलिटी। बताओ अतुल, आई एम क्लास 7 स्टूडेंट, आंसर बताइए। प्रोटेस्ट फॉर नहीं होगा या प्रोटेस्ट टुवर्ड्स नहीं होता, इट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट, अगेंस्ट किसी के खिलाफ। चैलेंज के साथ क्या होगा, चैलेंज के साथ बताना। चैलेंज के साथ आई चैलेंज्ड डैश हिम, क्या लगाओगे? आई चैलेंज्ड टू हिम, आई चैलेंज्ड अगेंस्ट हिम, ये क्लोज टेस्ट में आया था, क्लोज टेस्ट में आया था, ऑप्शन में चैलेंज भी था और बगल में अगेंस्ट भी लगेगा। चैलेंज के साथ यहाँ नो प्रेपोजिशन, अगर वर्ब का काम कर रहा है, सिंपली आई चैलेंज्ड हिम, आई चैलेंज्ड टू हिम नहीं होगा, वर्ब का काम कर रहा है ना, तो आई चैलेंज, चैलेंज का मतलब ही होता है किसी के खिलाफ, तो कोई कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। वेरी गुड, नो प्रेपोजिशन। लुक एट दिस वीडियो क्लिप इन विच आई माई फ्रेंड एंड यू आर एंजॉइंग अ बोट राइड। हाँ, तो टीयर टू में स्कोर बढ़ाने के लिए बोला तो था कि आपको बैच ज्वाइन करिए, रिवीजन बैच ज्वाइन करेंगे, आपका स्कोर बढ़ेगा, बट आप लोग तो बात समझते नहीं हो। हाँ, 2-3-1 होता है, 2-3-1, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर आई, तो क्या होगा, पहले क्या होगा, यू, 2-3, माई फ्रेंड, फर्स्ट। एनी बैड हैबिट मस्ट बी निप्ड डैश द बर्ड, ये तो एक मुहावरे, इडियम है, इट्स एन इडियम,
इट्स एन इडियम. रिविजन बैच ऑफ 1 मंथ का ले लो. निप ये एक इडियम है. इसका मतलब होता है ना अर्ली निप्ड इन द बर्ड. इन होगा इन इन निप्ड इन द बर्ड का मतलब होता है ना अर्ली स्टेज, नेसेंट स्टेज. किसी भी बैड हैबिट को ना मस्ट बी अर्ली स्टेज में ही इसको खत्म कर लेना. ये एक मुहावरे है. यस निप्ड इन द बर्ड. द पेशेंट डाइड ऑफ अ वुंड एंड नॉट ऑफ कैंसर. ये भी आपको पढ़ा दिया है. गलत हो गया. ये भी पढ़ा दिया है. अगर अगर बीमारी से मर रहे हो तो ऑफ किसी वुंड, किसी एक्सटर्नल चीज से. ठीक है, वुंड किसी घाव से, इंजरी से, तो डाइड फ्रॉम आए. तो वुंड के साथ फ्रॉम लगाओ, फ्रॉम अ वुंड एंड नॉट. ये हो वुंड एक्सटर्नल चीजों के लिए, घाव से, चोट से, तो फ्रॉम फ्रॉम लगा दिया. ठीक है, और किसी बीमारी से मर रहे हैं ऑफ फर्स्ट फर्स्ट. रिविजन बैच आप देख लेना अमित. रिविजन बैच का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप देख लेना. 1200 कुछ है, 1200 है. 1 मंथ, 1 मंथ, 1200. अन अकेडमी वाले बच्चे बताएंगे. अगर यहाँ पे कोई अन अकेडमी का स्टूडेंट है तो आप बताएगा बताएंगे 1 मंथ का कितना है सब्सक्रिप्शन. अच्छा 1080. अच्छा सॉरी 1200 लिख दिया. 1080. अगर क्रेडिट्स वगैरह होगा डिस्काउंट के बाद है. हाँ ये कोड यूज कर लेना रानी 10, तब डिस्काउंट मिलेगा. RANI10 डिस्काउंट मिल जाए. यूजिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट करोगे तो 1080 मिल जाए 10% ऑफ के बाद. ओके चलो. व्हेन आई लास्ट सॉ, पहले तो 1 मंथ का लोगे, लेकिन एक बार 1 मंथ का लोगे ना, हर 1 मंथ वाला 1 ईयर का जरूर लेता है. अब तो एक तो 2 ईयर्स बोल रहे. व्हेन आई लास्ट सॉ रवि, ही हैड बीन रनिंग टू कैच हिज बस. देखो हाँ मैम, मेंस रिवीजन बैच में काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है. ये बार बार मैं आप लोगों को बोल भी रही हूँ मेंस वाले बच्चों के, कि आपका ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसमें चाहिए इंप्रूवमेंट. वही वाला कैप्सूल है रोहित. कैप्सूल कोर्स है, कैप्सूल लेना है, उसके बाद एरर बनते जाएगा. जब मैंने रवि को अंतिम बार देखा तो ही हैड बीन रनिंग, नहीं हुआ. जब मैंने उसे देखा तो वो दौड़ रहा था बस के लिए. ये एक टेम्पररी एक्शन जो पास्ट में चल रहा था. वॉज रनिंग, वॉज रनिंग, वॉज रनिंग. हैड बीन रनिंग नहीं है. ये दोनों काम एक ही साथ हो रहा है ना. वेन, जब आपने उसको देखा तो एक काम वो कर रहा था. हैड बीन रनिंग. मैम आप काफी स्ट्रगल कर रहे हो. मैं स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ. मैं स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ. ओके, मैं मेहनत कर रही हूँ मेंस के बच्चों वाले के लिए. और इसके पीछे भी मेरा सेल्फिश मोटिव है, मुझे आप लोगों से रिजल्ट चाहिए. हैड रन का मतलब है वो ऑलरेडी दौड़ चुका था. जब मैंने उसको देखा तो वो दौड़ रहा था ना, काम कंटिन्यूएशन में चल रहा था. जहां भी अवेल वर्ड दिख गया, अवेल का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना. व्हेनेवर यू हैव दिस वर्ड इन द सेंटेंस, अवेल के साथ एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है. रिफ्लेक्सिव मतलब आई है तो माई सेल्फ, ही है तो हिमसेल्फ. एक तो अवेल वर्ड रिफ्लेक्सिव लेता है और दूसरा अपने साथ ऑफ लेता है, ऑफ लेता है. हाँ तो चलो आंसर बताइए, आंसर बताइए. द आई वुड लव टू अवेलिंग, ये तो गलत होगा. अ शॉर्ट हॉलीडे. एक तो आई वुड लव टू अवेल माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ और ऑफ भी लगेगा. यहाँ इन्होंने ऑफ लगाया बट रिफ्लेक्सिव नहीं लगाया, और यहाँ रिफ्लेक्सिव लगाया है, ऑफ नहीं लगाया. यहाँ दोनों है. फर्स्ट फर्स्ट. शी हैज फॉलन आउट विद द बॉय शी वॉज सपोज टू मैरी. फॉल आउट का मतलब क्या होता है? फॉलआउट का मतलब है झगड़ना, क्वारल. क्वारल करना, झगड़ना, रिश्ता टूट जाना, क्वारल के, सॉरी क्वारल के सेंस में. योर इंटरनेट कनेक्शन इज ब्रेकिंग. इफ माई इंटरनेट कनेक्शन इज ब्रेकिंग ना, तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड हैव कंप्लेन्ड. ओके, दिस इज अ कंप्लेन फ्रॉम ओनली योर साइड.
फॉलन इन ना फॉल आउट तो होगा, फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना, रिश्ता टूट जाना, फॉल आउट तो कंफर्म है होगा, ठीक है। तो इन हटा दो, इन तो हटा दो, इन हटा दो, आउट जरूर होगा क्योंकि आउट रहेगा तभी रिश्ता टूटने के सेंस में है। बताते जाइए बताते जाइए। फॉल आउट तो होगा, शी हैज फॉलन आउट, फेल आउट, हैज फॉलन आउट, नो इंप्रूवमेंट, आउट, अच्छा शी हैज फॉलन आउट ऑफ नहीं होगा, ये भी हट गया। शी हैज फॉलन आउट विद द बॉय, जिस बॉय के साथ उसको शादी करनी थी उसके साथ फॉल आउट हो गया, ये भी हट गया। अब या तो नो इंप्रूवमेंट या तो अब टेंस है, टेंस है, टेंस, टेंस, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। एक मिनट, इसको यहाँ आप कंफ्यूज हो गए, जहां टेंस आया वहां कंफ्यूजन है। फॉलन आउट तो होगा, ठीक है, यहाँ फॉलन इन ये तो गलत था, ये भी गलत था, आउट ऑफ लगा दिया, विद होगा। अब ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये फॉल आउट का, ये सॉरी ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, फेल आउट इज सिंपल पास्ट, यस, सेंस, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, ये सिंपल पास्ट है। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो ध्यान लगाओ, आप लोग रूल्स पढ़ के जाते हो ना कि हाई टाइम वाला वी टू लेता है, कंडीशनल ये लेता है, बट वो ज्यादा काम नहीं करता है, टेंस का कॉन्सेप्चुअल काम करता है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का मतलब क्या है, सिंपल पास्ट का मतलब होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट में पता ही नहीं चलता है काम हुआ है या नहीं हुआ है, इसीलिए तो इसका नाम इनडेफिनिट पड़ा। बट यहाँ तो ऑलरेडी बता रहे हैं कि उसका ऑलरेडी झगड़ा हो चुका है, झगड़ा हो चुका है मतलब सेंटेंस को परफेक्ट में जाना चाहिए, तो आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। फिर आपके दिमाग में होगा कि मैम ये तो पास्ट है ना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, हाँ हाँ मैं निश्चय आपका देख लिया क्वेश्चन, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे कि इसको पास देख के वो भी इसको पास लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लेकिन काम ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी उसका झगड़ा हो गया है। और कभी कभी टेंस में एक पार्ट प्रेजेंट भी जा सकता है, एक पास्ट भी जा सकता था, शी वॉज सपोज टू मैरी, ठीक है, हो सकता है उसको उससे शादी करना था बट उसका झगड़ा प्रेजेंट में हुआ है। ओके, रटने वाले रूल्स के दिन गए हैं, यस, बट आपको तो रटने वाले रूल्स वाले टीचर चाहिए, वो गए हैं। शी हैज फॉलन नाउ, शी वाज सपोज टू मैरी दैट पर्सन, उसको शादी करना था उससे बट उसका अभी इससे झगड़ा हो गया, नो इम्प्रूवमेंट है, हाँ नो इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे फेल आउट नहीं लगाओ, फेल आउट इज इनडेफिनेट, इनडेफिनेट में काम खत्म हुआ या नहीं हुआ कुछ भी नहीं पता चलता, बट इसका तो ऑलरेडी झगड़ा हो चुका है, परफेक्ट में जाना चाहिए, ये परफेक्ट में नो एर। ओके, शी वॉज सपोज टू मैरी दैट पर्सन, ओके, बट उसका अभी झगड़ा हो गया है, अंडरस्टूड। द फुटबॉलर्स, अब एंड करती हूँ, इट्स ऑलरेडी 11:30, आई एम अ न्यू स्टूडेंट, ओके। The footballers has been arguing with the coach since morning. Morning से argue कर रहे हैं। Footballers, बता दो answer, बता दो इसका। Out of नहीं होता, fallen out of नहीं होता, fallen out with the boy, जिस boy के साथ she was supposed to marry. Footballers plural होता है ना? फुटबॉलर्स प्लूरल है तो हैज तो नहीं होगा। द फुटबॉलर्स वॉज आर्ग्यूइंग, वॉज भी नहीं होगा कि देखो सिंस का काम क्या होता है, मॉर्निंग से लेके अब तक झगड़ रहे हैं। सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करना, और जो चीज पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करेगा उसको परफेक्ट में होना चाहिए, गलत है। अब बताओ, हैड बीन आर्ग्यूइंग या हैव बीन आर्ग्यूइंग, दोनों जा सकता है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम मॉर्निंग से वो लड़ रहे थे, बट सिंस हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है ना, तो इट्स प्रेफरेबल कि अब भी इसको प्रेजेंट ही रखो, हैव बीन। अब लास्ट, शी हैज नॉट बीन वेल फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, अब एंड कर रही हूं, हैव बीन बिकॉज सुबह की बात है, सिंस पास्ट नहीं हूं, फ्यू मंथ्स इज अ ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के साथ सिंस तो लगेगा ही,
ड्यूरेशन के साथ सिंस लगेगा ही नहीं. शी हैज बीन वेल फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स. बताओ सिंस द पास्ट फ्यू मंथ्स, सिंस द लास्ट फ्यू मंथ्स लगा है. सीएचएसएल के लिए कुछ बोली, अभी मैं बात करूं सीएचएसएल के लिए बात करूं, नो इंप्रूवमेंट. फॉर पास्ट नहीं होगा, किसी खास मंथ्स की बात हो रही है ना, पिछले पिछले कुछ महीनों से, तो खास मंथ की बात हो रही है तो द लगना चाहिए. नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट है. नो इंप्रूवमेंट भी लगाना सीखना है, नो इंप्रूवमेंट भी लगाना सीखना है. क्यों, क्या बोल रही है मैम, क्यों नहीं लगेगा, क्या चीज, द चाहिए, द स्पेसिफिक मंथ्स की बात हो रही है, बीते हुए. सिंस नहीं लगाओगे. मैम आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड, बट आई एम लर्निंग फ्रॉम यू पीपल, एवरी डे आई लर्न फ्रॉम यू पीपल. ये देखो, ये सिंस एंड फॉर का ड्रामा आप लोगों का खत्म नहीं हो रहा है. देखो देखो, एक ने तो पढ़ लिया कि लास्ट लग गया है तो हमेशा सिंस लगाओगे, ऐसा नहीं. ये देखो, ही हैज बीन एबसेंट, ही हैज बीन एबसेंट फॉर अ मंथ. ठीक है, वो एक महीने से एबसेंट है और वन मंथ इज अ ड्यूरेशन. ठीक है, वन मंथ इज अ ड्यूरेशन और ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाते हो. और लिखा ही हैज बीन एबसेंट सिंस एंड फॉर लास्ट मंथ. यहां तो पक्का कर दिया ना, यहां तो कोई भी मंथ हो सकता है, वो एक महीने से एबसेंट है, और कोई भी मंथ हो सकता है, जनवरी टू फरवरी भी एक मंथ है, नवंबर टू दिसंबर भी एक मंथ है, कोई सा भी मंथ हो सकता है. इनडेफिनिट है, यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, लेकिन इन्होंने यहां बता दिया कब से, लास्ट मंथ, बीता हुआ मंथ, तो सिंस लगाओगे सिंस. लेकिन लेकिन ही हैज बीन एबसेंट, अब लिखा मैंने सिंस एंड फॉर लास्ट टू मंथ्स, लास्ट टू मंथ्स, लास्ट टू मंथ्स. तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो पिछले दो महीनों की बात हो रही है, बट यहाँ मंथ्स, टू मंथ्स, टू मंथ्स इज नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम, टू मंथ्स इज अ ड्यूरेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव अ डेफिनेट टाइम पीरियड, बीता हुआ दो मंथ्स, बट फिर भी ड्यूरेशन के लिए हम सिंस नहीं लगाएंगे, फॉर ही लगेगा, फॉर 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 ही लगेगा, क्योंकि टू मंथ्स एक ड्यूरेशन है. और याद रखना है ना, सिंस के साथ जनरली हम प्लूरल नहीं लगाते हैं. ठीक है, फॉर के साथ तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, फॉर के साथ सिंगुलर भी, फॉर के साथ प्लूरल भी, बट सिंस के साथ हमेशा सिंगुलर. ओके, वाला जो स्लाइड है देखो, उसमें आज का सेशन है, दैट इज ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेशन है. आप मुझे आंसर बताओगे, व्हेन वी रीच द साइट ऑफ द क्रैश, जब हम क्रैश वाले जगह पे पहुंचे, वी फाउंड ओनली थ्री अलाइव मेन इन द रेक. रेक का मतलब होता है जो मलबा होता है ना, ठीक है, मलबा, मलबा के अंदर हम लोगों ने हम लोगों ने देखा कि सिर्फ तीन ही लोग जिंदा थे, तीन ही लोग जिंदा थे. आंसर बताइए, थ्री लिविंग मैन, थ्री अलाइव मैन, थ्री मैन अलाइव और थ्री लाइव मैन. आंसर इज थ्री मैन अलाइव. बट क्यों, आंसर यही होगा, ये अलाइव मैन क्यों गलत था, अलाइव मैन क्यों गलत था, और मैंने आपने मेन के बाद ही अलाइव क्यों चुना, वाई इज दिस वन करेक्ट और ये गलत क्यों है, वाई, आई वॉन्ट द आंसर, आई वॉन्ट द थ्री मैन, थ्री अलाइव मैन क्यों नहीं होगा. वट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू नो आप लोगों से कि वॉट इज अलाइव, अलाइव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा, अलाइव का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, पहले मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताना. अलाइव, अलाइव ना, अलाइव इज नॉट अ नाउन, अलाइव इज नॉट अ नाउन, Alive is not a noun. Alive noun नहीं है. Alive is an adjective. Alive adjective होता है. ठीक है, he is alive. देखो sentence मैंने लिखा he is alive. Alive का मतलब है जिंदा है और ये alive adjective है. ठीक है, ये adjective है. He की विशेषता बता रहा है. He क्या है, pronoun. और noun और pronoun को describe करने वाले words adjective होते हैं. तो ठीक है, अलाइव नाउन नहीं है, अलाइव एडजेक्टिव है. बट अपने अलाइव मैन क्यों हटा, आपके दिमाग में आ सकता है कि मैन तो नाउन है, मैन नाउन है, कैसा मैन, जिंदा मैन, तो आप एडजेक्टिव डाल सकते हो और अलाइव एडजेक्टिव भी होता है, तो ये सेंटेंस सही जा सकता था. लेकिन आपने अलाइव मैन ना करके आपने ये जो एडजेक्टिव है, यहाँ एडजेक्टिव नाउन के पहले आया है और यहाँ जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद आया, बट आपने इसको करेक्ट क्यों चुना, करेक्ट क्यों चुना, ये मैंने आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे मैंने आपको ये बताया हुआ है. आप देखना, एक एडजेक्टिव का सेशन है,
एक एडजेक्टिव का सेशन है, वहां पे मैंने आपको बताया है एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज, उसको अच्छे से देखोगे ना सेशन को, अभी समझाऊंगी टाइम लग जाएगा। और एक है एडजेक्टिव का एट्रीब्यूट यूज, वो सेशन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। एट्रीब्यूटिव यूज, जो भी एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, ठीक है, नाउन से पहले आता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव का एट्रीब्यूट यूज, एट्रीब्यूटिव यूज। और जो भी एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, देखो यहाँ जो एडजेक्टिव है ये नाउन के बाद आया उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होता है ना जिसका प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव दोनों यूज होता है। सेंटेंस देखो एक बार, तभी समझ में आएगा। लिखा मैंने ही इज गुड, या ऐसा ही लिख दिया राम इज गुड, तो यहाँ जो गुड है वो नाउन के बाद आया है ये एडजेक्टिव। और फिर मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय, देखो बॉय क्या है नाउन, कैसा गुड, तो गुड यहाँ पे नाउन से पहले आया, तो नाउन से पहले आ गया तो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है। और नाउन के बाद में आया है तो इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसका एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों यूज होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना जिसका दोनों यूज होता है, वो एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। वो क्यों आएगा एग्जाम में, वहां से कोई एरर नहीं बनेगा। बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज होता है, जैसे अलाइव। अलाइव वर्ड जब भी आएगा वो नाउन से बाद ही आएगा, प्रेडिकेटिव यूज। अलाइव, अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेला, और लोनली का मतलब भी अकेला होता है। बट लोनली का एट्रीब्यूटिव यूज भी होता है, प्रेडिकेटिव यूज भी होता है। ही इज लोनली, वो भी सही है, और ही इज अ लोनली पर्सन, वो भी सही है। बट अलोन का प्रेडिकेटिव यूज। अफ्रेड, अफ्रेड का हमेशा जब भी आएगा नाउन से बाद आएगा, अलोन, अफ्रेड, बहुत सारा आपको सेंटेंस दिया हुआ है मैंने, ठीक है। अलूफ, सॉर, तो ये जो अलाइव है ये एडजेक्टिव जो है इसका प्रेडिकेटिव यूज होगा, ये जब भी आएगा नाउन से पहले, बट यहाँ ये नाउन के बाद आ रहा। सो द आंसर इज दिस, आंसर इज दिस। ओके, नेक्स्ट वाला एक बार सेशन देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव स्टिल टू मीट अ पर्सन हु इज परफेक्टली सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब। मुझे अभी तक मैं कोई ऐसे पर्सन से नहीं मिला। आई एम स्टिल, मुझे अब तक एक ऐसे पर्सन से मिलना है जो कि अपने जॉब से परफेक्टली सेटिस्फाइड है। हर लोग का कुछ ना कुछ अपने जॉब को लेकर कंप्लेन होता है ना, तो ये बोल रहे अब तक मुझे अभी मुझे मिलना बाकी है एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने जॉब से फुल्ली सेटिस्फाइड है, फुल्ली सेटिस्फाइड। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए। आंसर बताना। आई हैव, आई माइट तो नहीं होगा, आई माइट स्टिल, आई माइट में मिल भी सकता हूं नहीं भी मिल सकता हूं, पॉसिबिलिटी यार, ये गलत है। आई एम स्टिल मीट, ये भी गलत हो गया, क्योंकि एम के साथ या तो वर्ब का V3 फॉर्म आता है या तो ING आता है। आई एम स्टिल मीट, ये भी गलत हो गया, आई एम मीट तो नहीं होगा। अब आपका आंसर, यू विल बी कंफ्यूज बिटवीन दिस टू, आई हैव टू मीट और आई एम टू मीट, दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है? चलो ये दोनों तो ऑप्शन मैंने हटा दिया। आई एम टू मीट, आई एम टू मीट और आई हैव टू मीट, दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट है, ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है, ग्रामर में कोई एरर नहीं है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। बट देर इज, एंड जब दोनों आ गया तो वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, सबसे अप्रोप्रिएट चुनना अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? आई हैव टू मीट, यस सौरभ यू आर राइट, आई हैव टू मीट में कंपल्शन है। आई हैव टू मीट मतलब मुझे मिलना ही है, मुझे, आई हैव टू मीट हिम, मुझे आपसे मिल, मुझे उससे मिलना ही है, उसे मिलना मेरा जरूरी है, कंपल्शन है। बट आई एम स्टिल टू मीट, इसमें कंपल्शन नहीं है, और यहाँ कंपल्शन का सेंस नहीं जा रहा है ना, मुझे अब तक मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलना है जो जॉब से सेटिस्फाइड है, तो यहाँ तो कंपल्शन नहीं है, तो हैव नहीं होगा। आंसर इज आई एम स्टिल टू मीट, स्टिल होगा। आई हैव टू मीट मतलब मुझे मिलना पड़ेगा, कंपल्शन है, बट मिलना पड़ेगा नहीं, मैंने अभी तक नहीं मिला। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द US एंड ऑस्ट्रेलिया हैव जॉइंटली टेस्ट फायर्ड अ हाइपरसोनिक मिसाइल केपेबल ऑफ मूविंग एट अ स्पीड 8 टाइम्स मोर फास्ट देन साउंड। आंसर बताइए, 8 टाइम्स मोर फास्ट देन साउंड।
ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस देखिए, आपको याद होगा। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। वैसे मैंने ये पढ़ा दिया है, अब पता नहीं आप लोगों ने याद रखा है नहीं रखा है। पहले आप इसको समझ लो, पहले तो क्या क्या चीज़ याद रखना है। एज एज, एक एज एज और सो एज का सेशन भी डाला है। इस वर्ड से आपको क्या क्या एरर आ सकता है, ठीक है। एज एज और सो एज, सबसे पहले याद रखना है कि ये एज एज और सो एज से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन के लिए कभी भी एक एज नहीं आता है, कंपैरिजन के लिए दो एज आएगा। तो हम एज से कंपैरिजन करते हैं। कैसा सेंटेंस? एज कंपैरिजन के लिए यूज होता है पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, नेगेटिव में भी, बट सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव में। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया, ध्यान से सुनो नहीं तो फिर आगे नहीं समझ में आएगा, आगे फिर नहीं समझ में आएगा। यस विनोद, वेरी गुड। एज पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, नेगेटिव में भी, बट सो एज हमेशा नेगेटिव। और एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया या कोई भी एडवर्ब आ गया, उसका डिग्री हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डिग्री लगता है। जैसे ऐसा लिखा मैंने, ही इज एज बेटर एज, गलत है, ही इज एज बेटर एज नहीं होगा। एज से ऑलरेडी कंपेरिजन हो ही रहा है तो फिर से कंपेरेटिव डिग्री नहीं लगाओगे। ही इज एज गुड एज, ही इज एज गुड एज, ठीक है। दूसरी बातें ये हो गई। और तीसरा चीज क्या याद रखना है ना, कि जनरली हम सेंटेंस में कंपेरिजन करने के लिए, जनरली हम सेंटेंस में कंपेरिजन करने के लिए ER लगाते हैं, जैसे वाइजर, स्मार्टर, ऐसा टाइप से लगाते हैं कंपेरिजन करने के लिए, या कंपेरिजन करने के लिए हम एज भी लगाते हैं। लेकिन एज लगाओगे तो बीच में पॉजिटिव डिग्री डालो, एज। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज होता है। कभी कभी ऐसा आ गया, ही इज टू टाइम्स स्मार्टर देन हिज ब्रदर। ये ध्यान से सुनोगे, ये सब एग्जाम्स में आता है, ही इज टू टाइम्स स्मार्टर देन हिज ब्रदर। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो कंपेरिजन हो रहा है उसके और उसके भाई के बीच में, तो देन तो आपने लगाया ही है, बट फिर भी ये सेंटेंस गलत है। जब भी सेंटेंस में ऐसा आ गया, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, या ही इज ट्वाइस भी आ गया, ही इज ट्वाइस स्मार्टर देन हिज ब्रदर, जब भी सेंटेंस में ट्वाइस, थ्राइस, फोर टाइम्स आ गया, तो उस केस में हम कंपैरिजन ER लगा के नहीं करते, हम कंपैरिजन एज लगा के करते हैं। तो ही इज टू टाइम्स एज स्मार्ट एज, जब भी टू टाइम्स आ गया या ट्वाइस भी आ गया, ही इज ट्वाइस स्मार्टर देन नहीं होगा। एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, ये पढ़ा दिया है। यस वेरी गुड शकील, ही इज टू टाइम्स एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। ओके, तो चलो अब इसका आंसर देखो, ये आपको पढ़ा दिया है मैंने, अब आंसर बताइए। US एंड ऑस्ट्रेलिया हैव जॉइंटली टेस्ट फायर्ड एट अ स्पीड 8 times, और जब भी 8 times, 2 times, 3 times, ट्वाइस, थ्राइस आ गया, तो हम कंपैरिजन एज लगा के करते हैं। तो यहाँ तो मोर लगा के किया हुआ है, गलत है। यहाँ पे देखो, फास्टर नहीं लगा के करेंगे, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ एज लगा के किया है, बट एज के बीच में हम कंपेरेटिव डिग्री नहीं डालेंगे, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होता। तो अल्टीमेटली आंसर फर्स्ट वन इज करेक्ट, पहला वाला आंसर करेक्ट है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नो वन केड फॉर द बॉय, ये सब सेंटेंसेस ऐसा है ना जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ऐसा सेंटेंसेस मैंने लिया है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। No one cared for the boy after his father died. चलो बताओ, आपको ऐसा लगेगा कि सेंटेंस सही है। No one cared for the brother since his father died. No one took the boy for care after his father's death. Or no one took care of the boy after his father died. ये सब बहुत कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस, ठीक है। ये मत सोचना कि ये सब मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का इजी है। मैंने वही पिक किया जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम। आंसर बताइए, किसी का आंसर सी आ रहा है, किसी का आंसर ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, नो इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। ये सेंटेंस आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, सेंटेंस कर सकता है अगर वीडियोस अच्छे लगे। सबसे पहले तो चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, 2-3 चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन है प्रेस करो ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और चैनल के सब डिस्क्रिप्शन पे न्यू बैच का लिंक दिया हुआ है,
ठीक है, क्लासिक बैच के नाम से है जो अन अकेडमी पे आ रहा है 2 नवंबर से, उसका लिंक दिया हुआ है आप वहां से, और कोर्स का डिटेल भी दिया है कैसा कैसा बैच जाए। सी अच्छा पहले मुझे बताओ, पहले तो मुझे बताओ कि पहला क्यों नहीं है, पहला क्यों नहीं है, पहला पहला ये भी तो जानना जरूरी है ना कि पहला क्यों नहीं है। वैसे नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं है, पहला क्यों नहीं है, व्हाई इज इन द फर्स्ट वन करेक्ट, पहला गलत क्यों है। देखो सिंस वाला सेंटेंस क्या करता है ना, सिंस वाला सेंटेंस जहां भी आ गया, सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, तो सिंस वाला सेंटेंस अगर आ गया तो सिंस वाले के बाद पास्ट टेंस रहेगा, सिंपल पास्ट, ठीक है सिंपल पास्ट रहेगा, और उसके पहले परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट क्योंकि सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। बट ठीक है यहाँ तो सिंस के बाद पास्ट टेंस लगा है, सिंपल पास्ट लगा है, जब से फादर की डेथ हुई तब से अब तक किसी ने उसकी केयर नहीं की, तो ये सेंटेंस परफेक्ट जाना चाहिए ना, हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, बट है नहीं, ये गलत है, गलत है। और नेक्स्ट देखो, नो वन टुक द बॉय फॉर केयर, बॉय को ले जाना केयर के लिए, ये तो गलत ही है। अब आपका कन्फ्यूजन होगा, नो वन केयर्ड फॉर द बॉय, अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आप नो एरर जा सकते हैं, बट दोनों आ गया, केयर का दो मतलब होता है, केयर जैसे बोलना, जैसे आप बोलते हो ना जो करना है कर लो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है, एक केयर का मतलब होता है परवाह करना, मुझे कोई, आई डोंट केयर मुझे कोई मतलब नहीं है, जो करना है करो, बट एक केयर का मतलब होता है टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, एक केयर का मतलब होता है देखभाल के सेंस में, ठीक है किसी का केयर करना, देखभाल करना, देखभाल के सेंस में। तो यहां किस सेंस में है, हाँ नो वन, फादर के डेथ के बाद किसी ने उसकी केयर नहीं की, तो नो वन टुक केयर ऑफ द बॉय, टुक केयर, टेक केयर करना मतलब देखभाल, यहाँ देखभाल के सेंस में, परवाह के सेंस में नहीं है, परवाह के सेंस में नहीं है, देखभाल के सेंस में है। यस नेक्स्ट, आई हैव बीन टेलिंग हर दैट शी हैड बेटर कंसल्टेड अ गुड डॉक्टर, मैं उसको काफी दिनों से बोल रही हूँ कि अच्छा हो कि आपको एक गुड डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। आंसर बताइए, ये हैड बेटर क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ये हैड बेटर है क्या, व्हाट इज हैड बेटर, कुछ का आंसर नो बेट, नो इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, कुछ का आंसर नो इम्प्रूवमेंट इसलिए आ रहा है ना, उन्हें लग रहा है कि हैड है, और हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, चलो आता है, बट ये हैड नहीं है, ये हैड बेटर है, और हैड बेटर एक बेटर एक मॉडल वर्ब होता है, और मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ वी वन मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ वी वन लेते हैं, मॉडल है। नेक्स्ट सेंटेंस, The Supreme Court decided to return the disputed property to its right owner. Supreme Court ने decide किया जो विवादित property है उसको उसके सही मालिक के पास लौटा देना है। हाँ तो कौन सा answer होगा? Rightful, righteous, upstanding, no improvement. आपका confusion इन दोनों में हो सकता है, ठीक है इन दोनों में हो सकता है, राइट और राइटफुल में, पहले देखना। हाँ शकील बोल रहे हैं मैम नो इम्प्रूवमेंट है, नहीं आंसर नो इम्प्रूवमेंट नहीं। राइट का मतलब क्या होता है, राइट हैज टू मीनिंग्स, एक राइट का मतलब है राइट डायरेक्शन, ठीक है राइट डायरेक्शन, और एक राइट का मतलब है यू आर राइट, यू आर करेक्ट, बट यहाँ प्रॉपर्टी के सेंस में आ रहा है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है ना उसको उसके रियल, उसके सही ओनर, सही ओनर। राइटफुल का मतलब होता है लीगली करेक्ट है, जो लीगली, लीगली करेक्ट, जो लीगली सही है, जो लीगल, जिसका लीगली लीगल राइट है, ठीक है जिसका उस पर लीगल राइट है उसी को लौटा देना है, तो यहाँ पे राइटफुल होगा। यस राइटफुल, राइटफुल, एक मिनट रुको, कंफ्यूज हो सकते हो आप, नो एरर भी कर सकते हो, आप नो एरर भी करके आ सकते हो, बट आंसर इसमें एरर है, इसमें एरर है। राइटियस पर्सन कौन होते हैं, जो पर्सन बहुत ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं,
ठीक है, कोई भी ईमानदार व्यक्ति को नहीं देना है ना, कोई भी ईमानदार व्यक्ति को प्रॉपर्टी थोड़ी देना है, प्रॉपर्टी तो उसके देना है ना जो उसके लीगल अधिकार है, लीगल ओनर, जो उसके लीगली अधिकार है, तो राइटफुल होगा. राइटियस मतलब वेरी ऑनेस्ट पर्सन होता है, वेरी एथिकल, सिद्धांतवादी, और अपस्टैंडिंग का मतलब भी यही होता है, तो राइटफुल होगा. राइटफुल, राइटफुल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वाला, ऑल बट हिम मेड एन अटेम्प्ट. चलो पहले तो बताओ कि यहां बट का मतलब क्या निकल रहा है. बट का मतलब क्या निकल रहा है यहां, बट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बट ओवर हियर? क्योंकि बट हैज टू मीनिंग्स. एक बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन, ठीक है, जहां बट का मतलब लेकिन, लेकिन किंतु परंतु, वो कंजंक्शन का काम करता है, कंजंक्शन है. और एक बट का मतलब होता है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय. जैसे पहले भी आपको बताया है मैंने, नथिंग, नथिंग बट बुक, नथिंग बट बुक्स वॉज अवेलेबल. नथिंग, बुक्स के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था. तो यहां बट का मतलब क्या जा रहा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट. और यहां बट प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है. और मैंने, ये तो प्रेपोजिशन हो गया, और मैंने लिखा ही वर्कड, ही वर्कड बट ही फेल्ड. तो यहां का बट कंजंक्शन हो गया. ही क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब. अगेन ही क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्लॉज बनाता है, और दोनों क्लॉज को, दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, बट जोड़ रहा है. तो यहाँ का बट कंजंक्शन है, जहां बट का मतलब लेकिन किंतु परंतु वाला सेंस हो ना, कंजंक्शन होगा. चलो यहाँ इसका मतलब क्या जा रहा है, गुड मॉर्निंग, नो एरर है ना, एरर है, एरर है. अपस्टैंडिंग का मतलब भी होता है वेरी ऑनेस्ट, एलीट. अपस्टैंडिंग ऑल्सो मीन्स वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट. अब आपके दिमाग में जाएगा, आप क्या दिमाग लगाओगे कि मैम ऑल, ऑल, ऑल हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ बट का मतलब निकल रहा है एक्सेप्ट, सेक्ट. अब आपके दिमाग में क्या जा सकता है कि मैम यहाँ तो बट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही, तो ये नो एरर जाना चाहिए. बट आंसर इज दिस वन, बिकॉज, बिकॉज इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, ऑल, ऑल एक्सेप्ट ही, सबको छोड़कर, मतलब सब, उसके सिवाय, उसके सिवाय सब ने अटेम्प्ट किया, मतलब सिर्फ ही ने नहीं किया, बाकी सब ने किया. तो यहाँ ऑल सब्जेक्ट है ना, और हिम तो ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का कंपैरिजन कभी भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से नहीं होगा. सब्जेक्ट का, ऑल जब सब्जेक्ट है तो ऑल का कंपैरिजन ही से होना चाहिए ना, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, बट हिम तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो आंसर इज ही भी सब्जेक्ट है, ऑल भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से. ओके, नेक्स्ट देखो, शॉर्टेज ऑफ टाइम है इसलिए आज थोड़ा जल्दी एंड करूंगी. इवन दो इट रेन्स आई विल अटेंड द मीटिंग, इवन दो इट रेन्स आई विल अटेंड द मीटिंग. चलो इवन दो वाला सेंटेंस होता है ना, कॉन्ट्राडिक्ट्री जाता है, ठीक है, दो अपोजिट बातें बोली जा रही है. अगर बारिश होती भी है फिर भी मैं अटेंड करूंगा, और यहां भी अब आंसर बताओ कौन सा है, इवन दो. However तो नहीं होगा, ठीक है, However और nevertheless नहीं होगा. आपका confusion किस में आएगा, आपका confusion आएगा even though या even if, इसमें आएगा. दोनों में difference क्या है, Any idea what is the difference between even if and even though, क्या difference है? Sessions अच्छे लग रहे हैं तो share करिएगा, दोस्तों को भी फायदा होना चाहिए. Even if, even if, if क्या बताता है, if, 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 ना no improvement answer नहीं है, confuse होने वाला है. if, if condition बताता है, condition, कोई condition रखी जा रही है, और condition में ना अभी वो काम हुआ नहीं है, assume किया जा रहा है कि अगर, जैसे मैंने लिखा if he works he will succeed, अगर वो मेहनत करता है तो सफल होगा, अभी उसने किया नहीं है, अगर करता है तो condition रखा जा रहा है. और condition में कोई unreal घटना है, मतलब बात हो रही है, जब कोई अनरियल कंडीशन रखा जा रहा है तो इफ लगाते हैं, इवन इफ. बट जो रियल कंडीशन है, रियल कंडीशन मतलब जो घटना हो चुका है, होने वाला नहीं है, उसके लिए इवन दो लगाते हो. अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ. जैसे यही सेंटेंस लिखा,
इवन दो इट इज रेनिंग, इवन दो इट इज रेनिंग आई विल अटेंड द मीटिंग. ठीक है. और इवन इफ मैं अनरियल कंडीशन और इवन दो में रियल कंडीशन, और इवन इफ इट रेन्स आई विल अटेंड द मीटिंग. देखो ये बोल रहे इवन दो इट इज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है मतलब कंडीशन रियल है. अगर बारिश होती है तब नहीं, यहाँ पे रियली में बारिश हो रही है और रियल कंडीशन की बात हो रही है तो इवन दो लगाएं. और यहाँ पे बोल रहे इवन इफ, अगर बारिश होती है फिर भी मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे अभी बारिश हो नहीं रही है, बारिश होने की संभावना है, अभी कंडीशन अनरियल है, तो उसके साथ इफ लगाओ. इफ 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 तो आंसर क्या है दिस वन, इवन इफ, इवन इफ. यस इवन इफ इज द आंसर. नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला सेंटेंस, 10 सेंटेंसेस लिया. व्हाट इज वर्स इज दैट देर इज प्रैक्टिकली नो रूम फॉर इम्प्रूव्ड रिलेशंस एज लॉन्ग एज मिस्टर गुप्ता कीप्स द इश्यू फ्लोटिंग. चलिए, थैंक यू डॉ किंग, थैंक यू किंग, डी किंग, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. ये सब कॉम्प्लीमेंट ही टीचर को बूस्ट करता है, ये सब कॉम्प्लीमेंट टीचर को बूस्ट करता है कि बच्चों को अच्छा क्वालिटी दिया जाए, क्वालिटी दिया जाए. जो बच्चे क्लासरूम तक नहीं आ पा रहे हैं वो भी एग्जाम निकाले, वो भी एग्जाम निकाले. व्हाट इज वर्स, पहले देख लो. देखो कभी भी, जैसे मेरे पास भी स्टूडेंट्स जब डाउट लेके आते हैं ना, तो मैं कभी भी उन्हें सही आंसर नहीं बताती हूँ. सही आंसर नहीं बताना है, बाकी देखना है ना कि बाकी का ऑप्शन गलत क्यों है, बाकी को ऑप्शन गलत क्यों है. इससे क्या होगा कि आपके आंसर की एक्यूरेसी बढ़ेगी. ओके, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी. अब सेंटेंस देखो, सेंटेंस देखो. जब मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था उसमें पॉजिटिव डिग्री पढ़ाया है, कंपेरेटिव पढ़ाया है और सुपरलेटिव पढ़ाया. ध्यान से सुनना, ऐसे तो मैं इसको आंसर ऐसे टिक कर दूँ कि ये आंसर है, लेकिन मुझे समझाना भी तो है, मुझे समझाना भी है. यस, गुड का नहीं होता है, गुड का नहीं होगा शकील, बैड का होता है. गुड का तो ये बनता है, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट. पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना नहीं, कंपेरेटिव डिग्री में कंपैरिजन दो के बीच में और सुपरलेटिव दो से ज़्यादा के बीच में. जैसे बैड है, बैड का मतलब खराब, वर्स दो के बीच में खराब और वर्स्ट इज सबसे खराब. वर्स अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री है, इसमें ईआर लगा के फिर से कंपेरेटिव क्यों बनाओगी, ये तो ऑलरेडी कंपेरेटिव है ही, फिर से ईआर नहीं लगाना है, तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा. ओके, अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला देखो. ये है वर्सिंग, वर्सिंग कोई वर्ड होता ही नहीं है क्योंकि वर्स एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से आईएनजी नहीं बनाएंगे. और एक चीज़ और देखना है, और एक चीज़ मुझे और बताना है. कभी कभी हम एडजेक्टिव से भी वर्ब बनाते हैं, जैसे क्विक. क्विक क्या है, क्विक एडजेक्टिव है और मैंने क्विक का वर्ब बना दिया क्विक, क्विकन. ठीक है, क्विकन बना दिया. जैसे लेस एडजेक्टिव है, मैंने इसको लेसन कर दिया, लेसन कर दिया. ठीक है, और जब वर्ब बन जाएगा ना तभी फिर उसका आईएनजी बना सकते हैं. उसी तरह ये जो वर्स है, मैं वर्स का पहले वर्ब बनाऊंगी वर्सेन लगा के, वर्सेन. जैसे जैसे देखो वर्ब बनाने के एडजेक्टिव से जब मैंने वर्ब बनाया, ईएन ईएन लगाया, ईएन ईएन, तो यहाँ भी मैं ईएन लगा के तब आईएनजी लगाऊंगी ना. बट यहाँ तो ईएन लगाया नहीं है, ये भी गलत. ठीक है, ये भी गलत है. और व्हाट इज वर्सेन, ठीक है ये वर्सेन वर्ब है, बट इज एम आर के साथ ये वर्सेन कौन सा फॉर्म है, बेस फॉर्म है, वी वन फॉर्म है. बट इज एम आर के साथ वी वन नहीं आता, या तो वी थ्री आता है या तो आई एन जी आता है, ये दोनों नहीं है. सो द आंसर इज व्हाट इज वर्ब्स. ओके, नेक्स्ट वाला, लिटिल लेस लीस्ट, वेरी गुड. फैट का भी बनता है, यस फैट का भी बनता है. देखो फैट का भी बनता है फैटन करना, फैटन फैटन करना. न्यूज़पेपर में देखते होगे बेटर, द गवर्नमेंट हैज बेटर्ड द सर्विसेज, बेटर एडजेक्टिव है, उससे भी नाउन सॉरी उससे भी वर्ब बनता है, उससे भी वर्ब बनता है. ठीक है, तो आज थोड़ी सी सेशन को कम ही रखूंगी, आई हैव सम प्रॉब्लम इन माय थ्रोट प्रॉब्लम है. तो आंसर इज व्हाट इज वर्स, व्हाट इज वर्स. लास्ट वाला, हिज पॉलिसीज वर सीन बाय मच
एज स्क्रिम्पिंग इन्वेस्टमेंट एट अ टाइम स्लम्पिंग कॉपर प्राइसेस. स्लम्प का मतलब होता है गिरावट होना. जब कॉपर प्राइसेस का प्राइस गिर रहा था, वेयर वेइंग ऑन द इकोनमी, और कॉपर के तांबा के प्राइस का प्राइस गिर रहा था, तो ये कंपनी पे सॉरी ये इकोनॉमी पे एक भार की तरह काम कर रहा था. मेरी बात सुनिए, क्या क्या बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरी बात सुनिए. किसी डॉक्टर को दिखवा लीजिए, ये नॉर्मल सोर थ्रोट है, ठीक हो जाएगा, मेडिसिन ले रही हूँ मैं. हाँ चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ फटाफट. क्रिम्पिंग इन्वेस्टमेंट ना वो बेकार वाली इन्वेस्टमेंट जो कोई फायदा नहीं दे. हाँ आंसर बताइए. अब सेंटेंस देखते हैं, देखो सारा खेल है ऑप्शंस का. वर्सिन वर्सिन वर्सिन, सब सही है, सब जगह बाय भी लगा है, सब जगह एज भी लगा, सिर्फ खेल है इसका. मोस्टली यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच देखना है. मोस्टली क्या है, एडवर्ब. मोस्टली एडवर्ब होता है, मोस्ट एडजेक्टिव होगा. मेनी मेनी क्या है, मेनी आपको बताया भी है, मेनी एडजेक्टिव भी होता है, मेनी प्रोनाउन भी होता है. और मेजरली, मेजर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा, ये है. और यहाँ पे मच, मच क्या है, मच एडजेक्टिव भी होता है और मच प्रोनाउन भी होता है, प्रोनाउन भी तो होता है. यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच हेल्प करेगा, पार्ट ऑफ स्पीच हेल्प करेगा. ओके अब सेंटेंस देखो, बाय है, बाय. बाय के बाद क्या चाहिए, बाय के बाद क्या चाहिए, बाय प्रेपोजिशन है, बाय इज अ प्रेपोजिशन. और प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है, या तो नाउन के साथ या तो प्रोनाउन के साथ, या तो नाउन के साथ या तो प्रोनाउन के साथ. तो मैं बाय के साथ मोस्टली नहीं लगा सकती, क्योंकि बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब नहीं आए. मेजरली भी नहीं लगा सकती, क्योंकि बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब नहीं आए. अब मैं लगा सकती हूँ या तो बाय मच या बाय मेनी. बट लोगों की बात हो रही है ना, बहुत सारे इस पॉलिसीज को बहुत सारे लोगों ने इस तरह से देखा, लोगों की बात हो रही है. और मच तो अनकाउंटेबल के लिए, मेनी 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 होगा, मेनी. मेनी प्रोनाउन भी होता है, मेनी एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, मेनी एडजेक्टिव भी होता है, यस. तो चलो अब सेशन को एंड करती हूँ, सेशन को एंड करती हूँ. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. मैम कैसे पता करें कि मच प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है? ओके वो तो सेंटेंस देख के पता करोगे ना. ये देखो, ये देखना, मेनी मेनी वर प्रेजेंट, मेनी वर प्रेजेंट, और यहाँ पे लिख दिया मेनी पीपल वर प्रेजेंट, मेनी पीपल वर प्रेजेंट, और फिर लिखा मेनी ऑफ देम अटेंडेड द क्लासेस. वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है. फंडामेंटल का मैंने काफी सारा वीडियोस इस सेशन पे डाला हुआ. ओके हाँ आज आज जल्दी एंड किया. आई हैव प्रॉब्लम इन माय थ्रोट, प्रॉब्लम इन माय थ्रोट, उसी लिए यस मेनी. अब देखो ये क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब. और जब भी वर्ब रहे ना, तो हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है. जब वर्ब लगा है इसका मतलब, जब क्रिया है तो उसका कोई कर्ता भी है. तो यहाँ पे मेनी सब्जेक्ट है, ठीक है, मेनी सेंटेंस का सब्जेक्ट है. और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन. तो यहाँ पे ये नाउन तो नहीं है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन. लेकिन यहाँ पे देखो पीपल क्या है, नाउन. पीपल क्या है, नाउन. और मैं मेनी को प्रोनाउन नहीं मान सकती है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन दोनों एक साथ नहीं आता है, ठीक है. नाउन और प्रोनाउन अगल बगल नहीं होगा, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है. इसका मतलब है जब ये नाउन है तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकता. कितने पीपल, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनर, डिटर्मिनर बोलते हैं. ओके और मेनी ऑफ देम, ये ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन प्रोनाउन. नाउन तो ये नहीं है, प्रोनाउन है. तो अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस हमें डिसाइड करना है कि नाउन है या प्रोनाउन. हाँ आज 1 बजे की क्लास है. शी ब्रोक डाउन, क्वेश्चन में पहले मुझे बताओ, यहाँ एक चीज और सीख लो. शी ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है. ब्रोक डाउन सिर्फ क्वेश्चन में आंसर पे नहीं जाना है, देखना है कि इस क्वेश्चन से और क्या क्या आप सीख सकते हो. ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन एक फ्रेजल वर्ब, ठीक है. ब्रोक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है. ब्रोक डाउन का दो मतलब होता है. एक ब्रेक डाउन का मतलब होता है, जैसे फैक्ट्री, फैक्ट्री में ब्रेक डाउन होता है. ब्रेक डाउन का मतलब होता है तकनीकी खराबी,
मैकेनिकल फेलियर, माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीच में कार खराब हो गया. और एक ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनली वीक हो जाना. शी ब्रोक डाउन आफ्टर हर फादर्स डेथ, फादर के डेथ के बाद वो टूट गई. इमोशनली वीक हो जाना, फूट फूट कर रोना. ठीक है, आप देखो यहाँ किस सेंस में जा रहा है. यहाँ तो इमोशनली वीक, इमोशनल हो जाना, बहुत ज़्यादा टूट जाना. शी ब्रोक डाउन एट हिज वर्ड्स अटर्ड विद ब्लेड एंड डिसरिगार्ड. ओके, ब्लेड एंड मतलब बहुत ज़्यादा डिसरिगार्ड, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग वे में, इग्नोरेंस मतलब इग्नोर करते हुए उसको जो शब्द बोले गए उस पर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, टूट गई. चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए. आंसर बताइए. और ऑप्शंस देखो, पहले ऑप्शंस अपने देखो. यहां पे ये वर्ड देखो पहले, पर्सनल. ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. एक ये है पर्सनल और एक होता है पर्सोनल्स. पर्सनल और ये है पर्सनल. ये पर्सनल्स का मतलब होता है अधिकारी. जैसे एसएससी पर्सनल्स बनोगे, बैंकिंग पर्सनल्स, आर्मी पर्सनल्स, आर्मी अधिकारी, और ये अधिकारी. ठीक है, और ये जो अधिकारी है, आर्मी अधिकारी कोई व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति हमेशा नाउन होता है. बट ये पर्सनल का मतलब होता है इंडिविजुअल. ये पर्सनल का मतलब है इंडिविजुअल. इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत. और ये एडजेक्टिव है. ऐसे बोलते हैं ना, डोंट इंटरफियर इन माई पर्सनल मैटर्स. पर्सनल मैटर्स, मैटर क्या है, नाउन. कैसा मैटर, पर्सनल, व्यक्तिगत. पर्सनल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, नाउन. कैसा प्रॉब्लम, पर्सनल. तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये पर्सनल जो है, ये पर्सनल एडजेक्टिव है और ये पर्सनल नाउन है. अब इसी से आपका काम हो जाएगा, इसी से आपका काम हो जाएगा. चलिए. शी ब्रोक डाउन एट हिज वर्ड्स अटर्ड विद ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर अ डैश फीलिंग्स. कुछ बच्चे हमारे नो यहाँ पे फीलिंग्स है, फीलिंग्स नीचे आ गया, होना चाहिए फॉर पर्सनल्स, फॉर अ पर्सनल्स फीलिंग्स. फीलिंग्स यहाँ पे है. ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड है. अब देखो सेंटेंस. कुछ बच्चे हमारे नो इम्प्रूवमेंट बोल रहे हैं. नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये पर्सनल, पर्सनल है और पर्सनल एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है. ठीक है, हम अपोस्ट्रोफी एस किस में लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस या तो नाउन में लगता है या तो अपोस्ट्रोफी एस प्रोनाउन में लगता है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस का के की बताता है, रिलेशन बताता है, रिलेशन नाउन या प्रोनाउन का बताते हैं. तो पर्सनल्स फीलिंग्स तो नहीं होगा, एडजेक्टिव में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ये हटा. और यहाँ यहाँ पे फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स नाउन है और नाउन की विशेषता के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए. बट ये पर्सनल तो अधिकारी हो गया, ये भी हट गया. आंसर इज सेकेंड, पर्सन्स, पर्सन्स, पर्सन्स. यस, पर्सन्स होगा. ओके, पर्सन्स. नेक्स्ट, हिज डिसीजन विल बी फेयर. पर्सन्स होगा, पर्सन मतलब एक व्यक्ति के फीलिंग्स. पर्सन नाउन है, नाउन का अपोस्ट्रोफी लगा दिया. हिज डिसीजन विल बी फेयर टू एवरी वन एज ही इज द मोस्ट डिसइंटरेस्टेड पार्टी इन दिस कॉन्ट्रोवर्सी. कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद. और डिसइंटरेस्टेड किसको बोलते हैं? डिसइंटरेस्टेड लोग कौन होते हैं? पहले मुझे डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग बताइए. इंटरेस्टेड का उल्टा अनइंटरेस्टेड होता है. इंटरेस्ट लेना रुचि लेना, अनइंटरेस्टेड रुचि नहीं लेना. बट डिसइंटरेस्टेड एक ऐसा वर्ड है जिसमें डिस लगने के बावजूद भी वो पॉजिटिव वर्ड है. डिसइंटरेस्टेड पार्टी, वो पार्टी जो अनबायस्ड है. ठीक है, अनबायस्ड है मतलब इनपार्शियल है, जो पक्षपात नहीं करता है. चलिए आंसर बताइए इसका. पर्सन इसलिए नहीं होगा ना, पर्सन हमें अपोस्ट्रोफी चाहिए, का के की का सेंस आ रहा है. एक व्यक्ति का फीलिंग्स, किसका फीलिंग्स, व्यक्ति का के की आ रहा है, तो हमें अपोस्ट्रोफी चाहिए. ये नहीं होगा, पर्सन फीलिंग्स नहीं होगा. पर्सन भी नाउन है, फीलिंग्स भी नाउन है, दोनों नाउन कहाँ से आ जाएगा? एक विशेषता बताई जा रही है. यस, आंसर बताइए. हिज डिसीजन विल बी फेयर टू एवरी वन एज ही इज द मोस्ट डिसइंटरेस्टेड पार्टी इन दिस कॉन्ट्रोवर्सी. उसका डिसीजन फेयर रहेगा. पहले तो आप लोग मुझे बताओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर. फेयर का मतलब क्या होता है? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर. फेयर हैज डिफरेंट मीनिंग्स. एक फेयर
किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, जैसे फेयर एंड लवली वाला जो है, फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, किसी का कॉम्प्लेक्शन गोरा, लाइट कॉम्प्लेक्शन, और एक मैंने बोला फेयर प्राइस। फेयर प्राइस का मतलब है उचित दाम, किसी शॉप में जाते हो फेयर प्राइस, उचित दाम, ना कम ना ज़्यादा, उचित है। और एक बोलते हैं ना फेयर जजमेंट, फेयर जजमेंट, गवर्नमेंट सॉरी जज ने फेयर जजमेंट दिया। फेयर जजमेंट का मतलब है निष्पक्ष, बिना भेदभाव किए हुए, ओके, चाहे जो भी सेंस हो, फेयर जो है, या कॉम्प्लेक्शन हो या प्राइस हो, किसी भी सेंस में हो, ये फेयर हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करेगा। यस, फेयर, फेयर एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, फेयर एक्ट्स एज एन रीजनेबल, यू कैन से रीजनेबल एज वेल। तो हिज डिसीजन विल बी फेयर, फेयर हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। हिज डिसीजन फेयरिंग तो नहीं होगा, आई एन जी तो नहीं आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का हम आई एन जी नहीं बना सकते हैं। और ये भी है ना, आई एन जी तभी आएगा जब उसके पहले इज एम आर हो, फेयरिंग तो कोई वर्ड नहीं होता है। हैड, हैड फेयर, हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, या हैड के बाद नाउन भी आ सकता है, बट फेयर ना तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना नाउन है, ये भी हटा। विल, विल मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो सहायक क्रिया होता है, ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी के बाद हमेशा एक मेन वर्ब आएगा। बट फेयर तो एडजेक्टिव हो गया, ये भी गलत है। आंसर नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये देखो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब, वी वन फॉर्म, ये जो बी है वर्ब का वी वन फॉर्म, तो सही है। क्वेश्चन इज नो इम्प्रूवमेंट। यस, लाइफ इन मोर थ्राइविंग टाउन्स, थ्राइविंग टाउन्स का मतलब है वो टाउन्स जो फ्लरिश कर रहे हैं, वेल थ्राइविंग टाउन्स मतलब फ्लरिशिंग, जो फूल फल रहा है, डेवलपिंग वाला टाउन्स। लाइफ इन मोर थ्राइविंग टाउन्स इज इंटीमेटली कनेक्टेड, इंटीमेटली का मतलब है क्लोजली, क्लोजली, क्लोजली कनेक्टेड विद द लोकल ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज, जो लोकल। बट मैम विल बी के बाद, किसने, विल बी के बाद आई एन जी फॉर्म तभी आएगा ना जब कोई वर्ब है, कोई वर्ब है, ही विल बी डूइंग द वर्क। देखो देखो, पूजा पूछ रहे हैं, पहले ये समझ लो, ही विल बी डूइंग द वर्क, ठीक है। हमेशा ऐसा थोड़ी है कि बी के बाद आई एन जी फॉर्म ही आता है, आई एन जी भी आ सकता है, वी थ्री भी आ सकता है। मैंने बोला ही विल बी, पूजा ध्यान से सुनोगे, ही विल बी गिवेन अ बुक, बी के बाद वी थ्री भी आ सकता है और वी के बाद वी फोर भी आ सकता है। कब वी थ्री, वी फोर कब आएगा? जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो। ही विल बी डूइंग द वर्क, यहाँ ही काम कर रहा है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में तो आई एन जी आएगा। बट ही विल बी गिवेन अ बुक, उसको एक बुक दी जाएगी, ही कुछ नहीं करेगा, कोई और आके उसे बुक देगा, तो पैसिव वॉइस में वी थ्री लगेगा। बट वहां तो वर्ब था ही नहीं, वहां तो फेयर था। विल बी के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है पूजा, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि बी के बाद वर्ब ही आएगा। अगर वर्ब आएगा तो या तो आईएनजी होगा या तो वी थ्री होगा, लेकिन अगर एडजेक्टिव आ रहा है वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। जैसे मैंने लिखा, देखो पूजा, ही विल बी ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो अपने बातों का सच्चा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वर्ब भी आएगा, एडजेक्टिव भी आ सकता है। ही विल बी ऑनेस्ट, ही विल बी ऑनेस्ट, आई थिंक पूजा आप समझ गए होंगे, ही विल बी अ गुड बॉय। यस, तो ऐसा रटा रटाया पे नहीं जाना है, कॉन्टेक्स्ट देखते हुए आपको डिसाइड करना है। चलो, लाइफ इन मोर, और ये तो देखो डिफरेंट, मच, मच हमारा पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, मच मोर, कंपेरेटिव, मोस्ट, सुपरलेटिव, आपको डिसाइड करना है। यस, एडजेक्टिव है तो टू बी लगाना होता है, क्योंकि एडजेक्टिव स्टेट बताता है। चलिए आंसर बताइए इसका, लाइफ इन मोर, मोर में दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, बट यहाँ पे दो के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि जो टाउन्स फूल फल रहा है, जो टाउन्स बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे टाउन्स की बात हो रही है, बहुत सारे टाउन्स की बात हो रही है। अच्छा, लाइफ इन मच मोर थ्राइविंग टाउन्स, चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए, मच कहाँ से हो जाएगा, लाइफ इन मच थ्राइविंग टाउन्स, आंसर इज मोस्ट, मोस्ट, मोस्ट थ्राइविंग टाउन्स,
मोस्ट, हाँ लाइफ इन मोस्ट मोस्ट ऑफ द थ्राइविंग टाउन्स इज इंटीमेटली कनेक्टेड. मोस्ट होगा, मोस्ट मोस्ट, यस. 12 वर्कर्स स्किल्ड, 12 वर्कर्स. अच्छा ये भी बच्चों का कंफ्यूजन है, लाइव इन मोर थ्राइविंग टाउन्स. बच्चों का ये भी कंफ्यूजन है. एक मिनट, एक मिनट, कहाँ चले गए? एपिक फोक. ये जब मैं पढ़ाती हूँ तो यहाँ बच्चों का ये भी एक डाउट आता है. ध्यान से सुनोगे मैं जो बोलना चाह रही हूँ. बच्चों का एक और डाउट आता है कि मैम हमने तो पढ़ा है कि मोस्ट के साथ, मोस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? द आता है. ये आपने पढ़ा होगा, मोस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री आता है. हाँ हाँ मैं समझ गई, मैं समझ गई. मोस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री आता है, बट याद रखना है कि मोस्ट के साथ द तब आएगा ना जब वाक्य में मोस्ट किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का. एडजेक्टिव का काम करेगा तब, एडजेक्टिव का काम करेगा तब सुपरलेटिव डिग्री आएगा. जैसे लिखा मैंने, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल. शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल. तो ये एडजेक्टिव है ना पूरा, मोस्ट ब्यूटीफुल. जैसे ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव क्या लगा के बनाते हैं? मोर या मोस्ट. मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे मैंने द लगाया, द लगाया, लेकिन मैंने लिखा मोस्ट थ्राइविंग टाउन्स. मोस्ट थ्राइविंग टाउन्स, ये टाउन्स क्या है? नाउन. कैसा टाउन्स? थ्राइविंग. थ्राइविंग एडजेक्टिव है, ये थ्राइविंग एडजेक्टिव है. कभी कभी वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव का काम करता है. और यहाँ का मोस्ट क्या है? यहाँ का मोस्ट क्या है? चलिए बताइए. एपिक फॉग, चलिए आप आंसर करिए. यहाँ का मोस्ट क्या, किसका काम कर रहा है? किसका काम कर रहा है मोस्ट? एडवर्ब का काम कर रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ मोस्ट. एडवर्ब का काम कर रहा है. कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और जब मोस्ट एडवर्ब का काम करता है उसके साथ द नहीं लगाओगी. ठीक है, तो रटा रटाए रूल्स पे नहीं चले जाना है. ठीक है, मोस्ट के साथ द लगता है, बट कब? जब वो एडजेक्टिव का काम करे. जब एडवर्ब का काम करे तो द नहीं लगाओगी. ठीक है, यस. चलो नेक्स्ट वाला. ट्वेल्व वर्कर्स वर किल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ट्रेड यूनियंस. ही इज मच मोर इंटरेस्टेड. चलिए बताइए आंसर, चलिए आंसर बताइए इसका. 12 वर्कर्स वर किल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है बात विवाद, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट. क्वारल का मतलब है झगड़ा, क्लैश. कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब भी है विवाद, आमना सामना. तो आपको लगेगा इसमें से आपको सब ऑप्शन लगेगा, लेकिन आपको सेंटेंस के अनुसार आपको सबसे एप्ट, सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सटीक वाला चुनना है, सबसे सटीक वाला चुनना है. चलिए आंसर बताइए, सबसे सटीक. देखो क्वारल, यहाँ पे सेंटेंस से पता चल रहा है ना कि 12 वर्कर्स वर किल्ड, 12 वर्कर्स किल्ड हो गए क्योंकि ट्रेड यूनियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ. तो यहाँ आंसर क्लैश होगा. क्लैश इसलिए होता है, क्लैश का मतलब होता है, क्लैश का एक और मतलब होता है मुठभेड़, फिजिकल वॉयलेंस. जब मारपीट वाला सेंस आता है ना, मारपीट में ही तो वो घायल होके मरे होंगे ना, क्लैश. बट कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है कि सिर्फ विचारों में कॉन्फ्लिक्ट हो, और जब आपके व्यूज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, विचारों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कोई मरेगा नहीं. जहाँ भी थोड़ा फिजिकल, फिजिकल वॉयलेंस या फिजिकल मुठभेड़, फिजिकल फोर्स किया जा रहा है, जहाँ भी वॉयलेंस लगाया जा रहा है, तो वहाँ पे क्लैश, क्लैश होगा. क्लैश, क्लैश, क्लैश का एक और मतलब होता है कुल. जैसे आपके दोनों, सपोज आप दो चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, तो आप बोलते हो ना कि मैम दोनों का डेट क्लैश हो रहा है. ठीक है, दोनों का मतलब कोलाइड कर रहा है, तो उस सेंस में भी जाता है. बट यहाँ फिजिकल मुठभेड़ की बात हो रही है, तभी लोग मारे गए. क्लैश. नेक्स्ट वाला. नो वन वॉज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट.
नो वन वॉज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म. ट्रेन जाने के बाद वहां कोई भी नहीं बचा हुआ था, कोई भी खड़ा नहीं था वहां. नो वन वॉज देयर. हाँ आंसर बताओ. ये तो होगा नहीं. नो वन वॉज ऑन देयर. नो वन वॉज ऑन देयर नहीं होगा. नो वन वॉज देयर. ठीक है, ऑन द प्लेटफॉर्म. हम हमें जो ऑन है ना, प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, वो प्लेटफॉर्म से पहले लगाना है. बट यहाँ तो ये ऑन को पहले कर दिया, ये भी हट गया. नो वन वॉज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म. और नो वन के साथ वर तो होगा नहीं, क्योंकि नो वन सिंगुलर होता है. नो वन के साथ वॉज आना चाहिए. नो वन सिंगुलर होता है. और ये भी हटा दिया. अब बताओ नन और नो वन में क्या डिफरेंस. वैसे नन भी, नो वन भी सिंगुलर है. नो वन भी सिंगुलर है और नन, नन भी अपने साथ सिंगुलर लेता है. बट दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है. दोनों के मीनिंग में कुछ बच्चे आंसर सी बोल रहे हैं. वैसे आंसर नो इम्प्रूवमेंट है. आंसर नो इम्प्रूवमेंट है. नो इम्प्रूवमेंट है. लेकिन आप लोग मुझे बताओगे डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो वन एंड नन. क्या डिफरेंस है. टुडे माई फर्स्ट डे, वेलकम. क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बताना. ना ना, नन इज फॉर टू नहीं होता है. हाँ चल, नीदर दो के लिए होता है. नीदर का मतलब है दो में से एक, और नन का मतलब होता है बहुतों में से कोई एक. बहुतों में से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं था. अच्छा, नो वन ह्यूमन बींग के लिए होता है. नन भी हो सकता है. नन भी ह्यूमन बींग के लिए हो सकता है. मैं बोल सकती हूँ ना, नन ऑफ द स्टूडेंट्स. नन का मतलब होता है ना, नन किसी स्पेसिफिक के लिए. बहुतों में से स्पेसिफिक की बात हो रही है. तो यहाँ बहुतों में से स्पेसिफिक की बात हो रही है ना, ये नहीं हो रही है ना. तो यहाँ, यहाँ तो ये सेंस जा रहा है कोई एक भी नहीं था, एक व्यक्ति भी नहीं था. तो आंसर यही होगा. नन का मतलब होता है बहुतों में से, हाँ, सेलेक्टेड लोगों में से कोई एक भी नहीं था. सेलेक्टेड लोगों में से कोई एक भी नहीं था. ठीक है, उसके लिए ना नन ऑफ होता है. ऐसा नहीं है, नन वगैरह ऑफ के भी लगाया जा सकता है. नन वॉज प्रेजेंट ऐसा भी लग सकते हैं. हिंदी सेंस. और कौन सी हिंदी सुनना चाहते हो. क्या एग्जाम में हिंदी में आएगा. ये तो मैं बोल ही रही हूँ, कोई एक भी प्रेजेंट नहीं था. और नन मतलब बहुतों में से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं था. तो नन का मतलब हो गया किसी खास स्पेसिफिक लोग की बात हो रही है. बट यहाँ खास लोग की बात नहीं हो रही है ना, कोई एक भी लोग नहीं थे. चलिए हम नेक्स्ट वाला. वी इंसिस्ट ऑन यू लीविंग द मीटिंग इमीडिएटली. हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप तुरंत मीटिंग को छोड़ो, मीटिंग छोड़ के जाओ. आंसर बताइए. वी इंसिस्ट ऑन यू लीविंग द मीटिंग. सबसे पहले तो मुझे बताओगे ये लीविंग क्या है. ये ऑन है, ये ऑन है, ऑन प्रेपोजिशन है. चलो आप मुझे बताओगे ये लीविंग क्या है, ये लीविंग क्या है. लीविंग नहीं, नहीं एरर है इसमें, एरर है. ये लीविंग क्या है पहले मुझे बता दो, आंसर क्लियर हो जाएगा. ये लीविंग नाउन. अब आप बोलोगे नाउन कहाँ से आ गया. जस्ट अ मिनट, कि नाउन कहाँ से आ गया मैम. ये नाउन है, नाउन है, नाउन. ये जीरंड है. कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी नाउन के, नाउन की तरह काम करता है, जीरंड के रूप में. ये जीरंड है, ठीक है. और जीरंड भी नाउन होता है. और जीरंड के पहले, नाउन के पहले कोई भी केस आ गया वो पोजेसिव होना चाहिए. पोजेसिव, क्योंकि पोजेशन. ये यू तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया. यू ऑब्जेक्टिव केस है, बट हमें ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए, हमें पोजेसिव चाहिए. क्योंकि पोजेशन, हमें पोजेशन बता रहे हैं. तो योर लीविंग, उसका जाना. हमने उसको इंसिस्ट नहीं किया, उसके लीव करने पे जोर डाला. उस पे जोर नहीं डाला, उसके यहाँ जगह छोड़ने पे जोर डाला. योर लीविंग होगा. योर, 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 यस. नाउन का पोजेशन बताया जा रहा है ना. नाउन का पोजेशन, नाउन का पोजेशन बताने के लिए हमें पोजेसिव केस लगाना है, ठीक है. योर पोजेसिव होता है, बट यू तो ऑब्जेक्टिव केस होता है. यहाँ योर पोजेसिव एडजेक्टिव है. यस, योर लिविंग. शी वॉज अनहैप्पी इवन आफ्टर शी मैरिड इन टू
अकोमोडेटिव एंड केयरिंग फैमिली. केयरिंग फैमिली में शादी होने के बावजूद भी शी वॉज अनहैप्पी. चलिए आंसर बताइए. योर्स होगा, योर्स नहीं होगा. योर्स ओबीडियंटली नहीं होता है, योर ओबीडियंटली होता है पूजा. योर्स ओबीडियंटली नहीं होगा. आंसर बताइए. शी वॉज अनहैप्पी. देखो आपका कंफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा किस में जाएगा. शी वॉज एग्जिस्टेड तो नहीं होगा. शी वॉज एग्जिस्टेड, शी वॉज एग्जिस्टेड को पैसिव में लेके चला जा रहा है. शी वॉज एग्जिस्टेड मतलब उसको एग्जिस्ट करवाया गया नहीं, वो खुद एग्जिस्ट कर रही थी, तो पैसिव तो जाएगा नहीं. वॉज एग्जिस्टेड नहीं होगा. शी, अच्छा हाँ चलो बताओ. शी वॉज कंटिन्यूड हर सैडनेस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. शी वॉज रिमेन्ड, शी वॉज रिमेन्ड, उसको अनहैप्पी रखा गया नहीं, वो खुद अनहैप्पी थी. आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट. यस. अच्छा अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आता, सपोज ऐसा क्वेश्चन होता, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बदल रही हूँ, ऐसा रहता शी रिमेन्ड अनहैप्पी, अगर दोनों ऑप्शन आ जाता और शी वॉज अनहैप्पी. शादी करने के, एक रिच फैमिली, एक केयरिंग फैमिली में शादी करने के बावजूद भी वो खुश नहीं थी. अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना, आगे वाला सेंटेंस नहीं रहता, तो ये दोनों सही होता. पहले ये देखो, ये देखो, ये सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखो पहले आप. सपोज मैं इसको भी अंडरलाइन करती, मैं इसको भी अंडरलाइन करके रखती, तब आपका आंसर क्या होता. ये भी सपोज अंडरलाइन रहता, मैं पूरा को अंडरलाइन करती, ठीक है, वॉज भी रहता अनहैप्पी, तब आंसर किसको करते, तब आंसर किसको करते, शी वॉज अनहैप्पी या शी रिमेन्ड अनहैप्पी. सपोज अगर ऐसा आ जाता क्वेश्चन, ये तो नहीं होगा. शी कंटिन्यूड हर सैडनेस, ये तो नहीं होगा. अपने सैडनेस को उसने बरकरार रखा. शी एग्जिस्टेड, एग्जिस्ट भी नहीं होगा. अब दोनों आता तब किसको करते. हाँ मैं वही बोल रही हूँ, इसमें रिमेंड शिव इसलिए नहीं होता ना, क्योंकि इसमें वॉज नहीं था. शी वॉज रिमेंड नहीं होता, ठीक है, वॉज को मैंने नहीं लिया था उस समय. लेकिन अगर मैं वॉज को भी इस पूरे में ले ले रही है, तब बताओ तब क्या होगा. वेरी गुड कंचन गुप्ता, कंचन गुप्ता हैज गिवन द करेक्ट आंसर. देखो शी वॉज अनहैप्पी, शी वॉज अनहैप्पी और शी रिमेंड अनहैप्पी, दोनों में डिफरेंस क्या है. शी वॉज अनहैप्पी वो किसी खास टाइम की बात हो रही है, जैसे उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, शी वॉज अनहैप्पी, तो वो एक किसी खास एक्शन, वो किसी खास मोमेंट का बताया जा रहा है. और शी रिमेंड अनहैप्पी, ये यहाँ पे स्टेट बताई जा रही है, उसकी अवस्था बताई जा रही है. यस, शी रिमेंड अनहैप्पी में उसका स्टेट, उसकी अवस्था बताई जा रही है कि वो एकदम दुखी थी, स्टेट बताया जा रहा है, लंबे समय तक दुखी थी. बट शी वॉज अनहैप्पी हो सकता है किसी खास एक घटना के बारे में बताई जा रही है. तो ये देखो, शादी होने के बावजूद भी अच्छे फैमिली में फिर भी वो दुखी थी, तो तब आंसर हम रिमेंड करते, रिमेंड, रिमेंड होता, रिमेंड होता. शी वॉज अनहैप्पी, नहीं नहीं, शी रिमेंड अनहैप्पी, शी रिमेंड. अगर ये भी मैंने पूरा ले लिया होता, तो अगर आंसर ऐसा आता, क्वेश्चन ऐसा रहता, तो ठीक है. रिमेंड स्टेट बताता है. जर्मनी हैज मोर नेबर्स देन ऑल यूरोपियन स्टेट्स, ये तो बना लोगे. जर्मनी हैज, आंसर बताइए इसका. जर्मनी हैज मोर नेबर्स देन ऑल यूरोपियन स्टेट्स, किसके किसके बीच में देख लो पहले. रादर दैन है, देखो सबसे पहले तो देखो ये रादर है, रादर दैन है, रादर दैन है. और रादर दैन का यूज हम तब करते हैं जब हम दो में से किसी एक को चुनते हैं. आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो टू स्कूल, स्कूल जाने की वजह मैं घर पे ही रहूँगा. राधा दान का यूज़ तब होता है जब हम दो में से एक चुनते हैं. बट यहाँ तो चॉइस की बात हो ही नहीं रही, यहाँ तो कंपैरिजन हो रहा है जर्मनी और यूरोपियन स्टेट्स की, तो ये तो राधा हटी गया. अब ये देखो, जर्मनी हैज़ मोर नेबर्स देन ऑल यूरोपियन स्टेट्स, यहाँ पे कंपेरिजन जर्मनी और यूरोपियन स्टेट्स के बीच नहीं हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे कंपेरिजन, हाँ यहाँ पे देखो, जर्मनी हैज़ मोर नेबर्स देन ऑल यूरोपियन स्टेट्स, ऑल यूरोपियन स्टेट्स हैं यहाँ पे,
ठीक है, ऑल यूरोपियन स्टेट्स में जर्मनी भी तो आ जाएगा, बट हमें जर्मनी को साइड रखना है और बाकी के यूरोपियन स्टेट को अलग रखना है, तो हम लगा देंगे एनी अदर। एनी अदर यूरोपियन स्टेट मतलब दूसरा कोई यूरोपियन स्टेट जर्मनी को छोड़कर, जर्मनी को छोड़कर, सी होगा सी। ही हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ बट ही हैज नेवर बीन एज मच डिजेक्टेड एज ही इज टूडे। डिजेक्टेड का मतलब है डिसअपॉइंटेड, निराश, निराश, निराश। चलिए बताइए। ही हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे उतार चढ़ाव लाइफ में देखें। अप्स एंड डाउन्स का हम क्या बोलते हैं, विसीट्यूड्स। अप्स एंड डाउन्स का एक बहुत अच्छा सा वर्ड है विसीट्यूड्स, अप्स एंड डाउन्स देखा है लाइफ में। बट ही हैज नेवर बीन, इतना दुखी नहीं है रहा कभी जैसा कि आज है। हाँ चलो बताओ। ही हैज नेवर बीन सो मच इन डिजेक्शन, डिजेक्शन नाउन है, डिजेक्शन नाउन है, डिजेक्टेड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, ये भी एडजेक्टिव है, और इतना तो कन्फर्म है कि हमें एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि हमें ही की विशेषता बतानी है। ही दुखी है, ही प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ नाउन है, ये तो हट गया, ये हट गया, ये ऑप्शन हट गया। हाँ यस, आंसर बताइए। ही हैज बट ही हैज नेवर बीन सो डिजेक्टेड एज ही इज टूडे, और ही हैज नेवर बीन डैट मच डिजेक्टेड एज ही इज टूडे। डैट के साथ, डैट के साथ एज का यूज नहीं होता है, या तो एज के साथ एज होगा या सो के साथ एज होगा। दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब आंसर देखो, दो हट गया, अब आंसर बता दो। ही हैज नेवर बीन एज मच डिजेक्टेड, या हम उसकी तुलना कर रहे हैं ना, हमें तुलना करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, हमें, हमने एडवर्ब डाल दिया। आंसर इज ही हैज नेवर बीन सो डिजेक्टेड, सो डिजेक्टेड, मच लगाने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। सो एज नेगेटिव के लिए होता है, बट एज एज का यूज भी नेगेटिव में कर सकते हैं। एज एज पॉजिटिव नहीं, नहीं ये याद रखना है, ये याद रखोगे सब। ये जो एज है ना, ये एज पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन सो एज हमेशा नेगेटिव, सो एज हमेशा नेगेटिव, बट एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में। यस बनी, यू आर राइट, सो डिजेक्टेड वाला होगा। नेक्स्ट, आई एम टोटली ऑपोजिट इन द स्टेटमेंट ऑफ सम ऑफ आवर मैनेजर्स। आंसर बताइए। आई एम टोटली ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा, बट एक होता है अपोज, अपोज करना इज विरोध करना। अगर आप किसी से सहमत नहीं है, आपके विचारों में मतभेद है, तो आप अपोज करते हो, तो मैं उसके स्टेटमेंट को, जो उसने स्टेटमेंट दिया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, और सहमत नहीं हूँ के लिए ऑपोजिट नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, अपोज होगा, तो क्वेश्चन तो वैसे भी गलत है, क्वेश्चन तो वैसे भी गलत है। और अपोज के साथ हमेशा टू आता है, टू टू, आंसर इज सेकेंड। ये मैंने, हाँ ये मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन में करवाया है, फिक्स प्रेपोजिशन में करवाया है, अपोज टू, कॉन्ट्ररी टू, टू टू, अपोज के साथ टू होगा। माई फादर हैज लिव्ड हियर फॉर 2 वीक्स, मेरे फादर यहाँ 2 वीक तक रह चुके हैं। आंसर बताइए इसका। Totally opposed to, yes. Opposed कम, ये अपोज के साथ इन आएगा ही नहीं, बाय आएगा ही नहीं, अपोज टू, स्टेटमेंट के अपोज टू। आंसर बताना, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। चलिए नेक्स्ट वाला पे आइए। माई फादर हैज लिव्ड हियर फॉर 2 वीक्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, माई फादर हैड बीन लिव्ड, हैड बीन लिविंग हियर। अच्छे से आंसर देखिए, बहुत हेल्प करेगा आपको। ये सेंटेंस देखो, हैज लिव्ड हियर एक्टिव है कि पैसिव है, जो जो मैं पूछ रही हूँ थोड़ा फटाफट बताते जाओ, एक्टिव है कि पैसिव है। हड़बड़ी में, जोश में, होश खत्म करके आंसर दे रहे हो। हैज लिव्ड, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, तो सेंटेंस एक्टिव,
हैज के बाद या कुछ कोई भी हो, रुको पहले ये सुनो, ध्यान से समझ जाओ इसको। हैज, हैज, हैव, हैड, बच्चे जहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लेते हैं ना उसको वो पैसिव समझ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हैज, हैव, हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ रहा है तो सेंटेंस एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में जा रहा है। लेकिन इसी इसी हैज, हैव, हैड के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म आ रहा है तो सेंटेंस पैसिव। हैज, हैव, हैड पैसिव तब होगा ना जब बीच में बीन लग के फिर थर्ड फॉर्म आएगा। अब ये सेंटेंस देखिए, बहुत सारे लोगों का आंसर गड़बड़ भी आ रहा है। माई फादर हैज लिव्ड, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया एक्टिव। हैज के बाद, हैड के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म आ गया पैसिव, पैसिव, ठीक है। और यहाँ तो थर्ड फॉर्म है ही नहीं तो ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है। कुछ बच्चों का आंसर ए भी आ रहा था, ओके। ए क्यों नहीं होगा मैं बता रही हूँ। माई फादर, मेरे फादर खुद रह रहे हैं 2 वीक से यहाँ पे, तो ये मेरे फादर कोई और नहीं रख रहा है, वो खुद रह रहे हैं। सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, ये तो पैसिव है, हट गया। बट यहाँ पे वॉज लिविंग नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट में जा रहा है ना, 2 वीक पहले रहना शुरू किया था पास्ट में और अब तक रह रहे हैं। पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए परफेक्ट टेंस चाहिए, परफेक्ट टेंस चाहिए, बट ये तो परफेक्ट नहीं है, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, ये भी हटा। अब हैड बीन लिविंग हियर और हैज लिव्ड, अब ये आपको हेल्प करेगा। चलो आंसर बताओ, या तो कंफ्यूजन आपका डी में होगा या नो एरर या बी में होगा, नो एरर में होगा या तो बी में होगा। चलिए अब आंसर बताइए। आंसर देना शुरू करिए। माई फादर हैड बीन लिविंग हियर, माई फादर हैड बीन, हाँ हाँ ये देखो एक मिनट, ये भी हो सकता है मेरे फादर यहाँ 2 हफ्ते से रह चुके हैं और मेरे फादर दो हफ्ते से रह रहे थे। दोनों हो सकता है, बट देखो थोड़ा सा डिफरेंस, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में। ये वर्ड आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि सेंटेंस पास जाएगा या प्रेजेंट जाएगा, पास जाएगा या प्रेजेंट जाएगा। अगर ये वर्ड नहीं रहता ना, हियर वर्ड नहीं रहता तो दोनों हो सकता था, मेरे फादर यहाँ 2 वीक तक रह चुके हैं या 2 वीक से रह रहे थे, दोनों। लेकिन हियर, हियर किसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट के लिए या पास्ट के लिए? हियर आपने नरेशन में पढ़ा होगा ना कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो हियर क्या में बदलता है, देर में। तो यहाँ पे पास्ट, ठीक है ये ठीक है, पास्ट हो सकता था, बट यहाँ तो हियर दिया है ना, पास्ट में तो हियर देर में होना चाहिए था, बट यहाँ देर नहीं है। आंसर नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट। माई फादर हैड बीन लिविंग देर, देर होता तो हो सकता था। यस, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, पास्ट में है तो हियर नहीं होगा। नेक्स्ट वाला, वी मस्ट नॉट फॉरगेट द रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी हु सैक्रिफाइज्ड हिज लाइफ फॉर द कंट्री। थैंक यू शिवा, थैंक यू। रिपीट कर दो, रिपीट करना, रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझो। देखो ये तो है नहीं, ये दोनों तो मैंने काट दिया, ये पैसिव था और ये हट। माई फादर हैज लिव्ड हियर और यहाँ भी हियर, और ये प्रेजेंट में जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में। आपने नरेशन में पढ़ा होगा कि प्रेजेंट टेंस में हम हियर का यूज करते हैं, मेरे फादर वहाँ 2 वीक से रह रहे थे। यहाँ पे अगर देर होता ना, यहाँ पे देर होता तो ये आंसर हो सकता था, पास्ट में है, बट ये तो प्रेजेंट में जा रहा है ना, प्रेजेंट में है तो हियर प्रेजेंट में, इसलिए नो एरर। नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट फॉरगेट द रेवोल्यूशनरीज हु सैक्रिफाइज्ड हिज लाइफ फॉर द कंट्री। अब बताओ कि ये हु किसके लिए है, ये हु किसके लिए लगा है?
चलिए बताइए, यहाँ पैसिव का रूल कहाँ है सेंटेंस में? ये सेंटेंस पैसिव कहाँ था? ये तो सेंटेंस एक्टिव जा रहा था, एक्टिव जा रहा था। यस, ये जो हु है किसके लिए? रेवोल्यूशनरीज के लिए, और रेवोल्यूशनरीज प्लूरल है, क्रांतिकारी प्लूरल है, तो यहाँ पे देयर होना चाहिए, देयर लाइव्स, हु सैक्रिफाइज देयर लाइव्स। आंसर बी है, बी 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 होगा, बी। ये तो कुछ बच्चे उसको लेकर कंफ्यूज हो गए। फॉर से क्या लेना देना है? फॉर वाला सेंटेंस से क्या लेना देना है? ये इसी पे अटके हुए हैं। फॉर से क्या लेना देना है टेंस का? ये जो है फॉर 2 वीक्स, हम फॉर प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए भी यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए यूज होगा। हाँ, अब हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि मैम दोज क्यों नहीं आए, हुम तो नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा, क्यों हुम क्यों नहीं आएगा? अगर मैं यहाँ पे हुम लगाऊँ ना, ये देखो ये क्या है, ये हमारा है, ये हमारा वर्ब है, सैक्रिफाइज्ड वर्ब है, और वर्ब के लिए हु चाहिए, वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हुम तो ऑब्जेक्ट के लिए होता। ये भी हट गया। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैम दोज क्यों नहीं होगा? वी मस्ट नॉट फॉरगेट द रेवोल्यूशनरीज, दोज क्यों नहीं होगा, दोज क्यों नहीं होगा, दोज, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो हु है ना रिलेटिव प्रोनाउन है, और 5 रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हु हुम हुज विच दैट, दोज रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, दोज रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये इसके लिए लगा, ये नाउन के लिए, तो आंसर हु होगा, हु हमारा सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट के लिए वर्ब लगा। नेचुरली विथ एवरीथिंग गॉन सो वेल फॉर देम, इट वॉज टाइम फॉर सेलिब्रेशन। आर्यन कभी कभी दोज प्रोनाउन का भी काम कर जाता है। चलिए आंसर बताइए, इफको की तैयारी कब, एग्जाम कब होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है, वो आपके हाथ में नहीं है, तैयारी आपके हाथ में। आंसर बताइए नेक्स्ट वाला, नेचुरली विथ एवरीथिंग गॉन सो वेल, विथ एवरीथिंग, इट वॉज टाइम फॉर सेलिब्रेशन, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है तो अब टाइम आ गया है सेलिब्रेशन का। विथ एवरीथिंग, विथ एवरीथिंग बी होगा, विथ एवरीथिंग गोइंग सो वेल, गोइंग यहाँ भी एवरीथिंग गोइंग, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, गॉन का मतलब तो ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी, हु हुज हुम विच दैट, यस, नो एरर आई थिंक नहीं होगा, विथ एवरीथिंग गॉन सो वेल, इट वॉज टाइम, विथ एवरीथिंग गोइंग, ये जो गोइंग यहाँ मैंने लगाया है, मैंने गोइंग को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, एवरीथिंग गोइंग, सब चीज़ ठीक ठाक से चल रहा है सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट में यूज करने के लिए मैंने जीरंड लगाया, और जीरंड का टेंस से कोई लेना देना नहीं है, वही मैं बताना चाह रही हूँ कि बच्चे ने बोला कंचन कि मैम सेंटेंस तो पास्ट टेंस में है, और आपको लगेगा कि पास्ट टेंस में है तो गॉन लगा दो, बट ये जीरंड है, और जीरंड नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है, और नॉन फाइनाइट का टेंस से कोई मतलब नहीं है, जीरंड को आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहीं भी लगा सकते हो।